Good afternoon, all of you. Very, very good afternoon. Welcome back to RJ Carry Point online and live nursing classes. एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. लास्ट ईयर नॉर्सेट में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं. तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आपको इस एग्जाम के अंदर यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में सिंगल वन क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, अगर आप पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के रिगार्डिंग कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेशन ये रहने वाला है, जहां पर हर एक छोटी से छोटी चीज जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए रिगार्डिंग इंपोर्टेंट होने वाली है, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सबसे बेस्ट होते हैं, इमरजेंसी में कौन से यूज करते हैं, अगर कोई फीमेल है वो लैक्टेशन लैमिनोरिया की सिचुएशन है तो उसके लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है, न्यूली मैरिड कपल के लिए कौन सा रहने वाला, इन सभी के रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज में आने वाले हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज का बेस्ट इफेक्ट कब होगा, ठीक है, ये सारी चीजें ओवरऑल, यानी आप मान के चलेगा कि इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने के बाद में एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. हर वो चीज मिलेगी जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं आरजे कैरी पॉइंट की तरफ से, ठीक है. तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना बेहतरीन क्वेश्चन सेशन. इसमें बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, ठीक है. चलिए सर, सीएचओ के लिए क्लास लगाओ. बेटा सीएचओ के अंदर भी टॉपिक आता है, ठीक है, टॉपिक के ऊपर ध्यान दो. हर चीज देखिए ऐसा नहीं होता कि केवल नॉर्सेट के लिए है, ये जो टॉपिक है वो आपके सीएचओ से लेकर नॉर्सेट हर किसी चीज के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है. चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के लिए. पूरे पीसफुल माइंड के साथ में क्लास में बैठना, पूरा फोकस और अटेंशन होना चाहिए क्लास के साथ में. थ्योरी भी होगी और एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है. चलिए, आई होप आप सभी ने आज वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा. जो बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए सुबह वाले शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में आप टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा. सेकेंड आपका टेस्ट आज कंटिन्यू है. सुबह आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट वाला 9 से 12, और दूसरा जो टेस्ट रहेगा आपको नाइट शिफ्ट में रहने वाला है, ठीक है. और बाकी जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा 9 बजे से पहले, रात को 9 बजे से पहले कर लीजिएगा ज्वाइन. ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए बात करते हैं. जी बिल्कुल, 7 बजे वाली क्लास होगी आज, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है. चलिए पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट स्टूल ऑफ द न्यू बोर्न. The following are the characteristics of the first stool of the newborn except one. यानी देखिएगा, जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, तो बेबी डिलीवरी के बाद में क्या करेगा, फर्स्ट स्टूल पास आउट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मीकोनियम कहते हैं. तो मीकोनियम के रिगार्डिंग सारे स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट को छोड़कर सारे स्टेटमेंट क्या है, सही होने वाले हैं. जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा. विच वन इज द करेक्ट आंसर? It lacks the bile pigment. Second one, it is the odorless. Third one is the it is tenacious. And last one is the it contains the epidermal cell, laryngeal and hair. Which one is the correct answer? Which one is the correct answer? जल्दी से right answer put कीजिएगा. देखिए बात करते हैं. The first stool pass out by the newborn that is known as the meconium. ठीक है. तो meconium के regarding देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ it lacks the bile pigment. लेकिन bile pigment तो होता है. बाइल साइट भी प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है म्यूकोनियम के अंदर. बात क्लियर हो गई सभी को? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं म्यूकोनियम के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं म्यूकोनियम के रिगार्डिंग. फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है बेबी, मोस्ट कॉमनली 24 आवर आफ्टर द बर्थ. ठीक है, जैसे बेबी की डिलीवरी होगी उसी के बाद में 24 घंटे में आपको क्या करेगा, बेबी स्टूल पास आउट कर देता है. हो सकता है 90% जो बेबी रहेंगे वो क्या कर देते हैं, फर्स्ट 24 आवर में स्टूल पास आउट कर देते हैं. नेक्स्ट अगर बात करते हैं 48 आवर की, तो लगभग 98% तक बेबी क्या कर देते हैं, स्टूल पास आउट कर देते हैं, उसको म्यूकोनियम कहेंगे. और उसके बाद में अगर पास आउट नहीं करे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हिल स्प्रिंग डिजीज वाली सिचुएशन हो जाएगी. नेक्स्ट देखिएगा म्यूकोनियम की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो म्यूकोनियम की अगर बात करते हैं तो म्यूकोनियम का जो देखिए एक चीज ध्यान रखना, म्यूकोनियम केवल पहले दिन ही नहीं होता है, कंटिन्यू 3 डेज तक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यू 3 दिन तक क्या सीक्रेट होगा, म्यूकोनियम एक्सपेल आउट करता है बेबी. फर्स्ट 3 डेज तक जो स्टूल पास आउट करता है उसको म्यूकोनियम ही कहते हैं. नेक्स्ट अगर कलर की बात करते हैं तो ग्रीनिश ब्लैक कैसा होता है बेटा, ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है. बात क्लियर हो गई सभी को? ग्रीनिश ब्लैक इन द कलर.
फर्स्ट थ्री डेज तक एक्सपेल आउट होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट या स्टूल जो होगा उसको म्यूकोनियम कहते हैं और ग्रीनिश ब्लैक इन कलर आपका रहने वाला है। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, किसकी बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो कंपोजिशन के अंदर आपको क्या मिलने वाला है सर? इसके अंदर डेड एपिडर्मल सेल आपको मिलने वाली है, ठीक है, डेड एपिडर्मल सेल आपको मिलने वाली है जो कि इंटेस्टाइन के, इसी के साथ साथ इसके अंदर सर म्यूकस भी प्रेजेंट होगी, इसी के साथ साथ इसमें बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे और बाइल साल्ट भी प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? बाइल पिगमेंट एंड उसी के साथ साथ बाइल साल्ट भी प्रेजेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लैनिंगो, क्या प्रेजेंट होते हैं? लैनिंगो। क्लियर हुआ सभी को? ये होता है टिनीसिस। कैसा होता है? टिनीसिस होता है, ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है? ऑर्डरलेस होता है। बात सभी को क्लियर हो गई? दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द म्यूकोनियम। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन देखेगा थ्री डे आफ्टर तीन दिन बाद में और कंटिन्यू फॉर थ्री टू फोर डेज तक जो स्टूल पास आउट करेगा बेबी उसको हम क्या कहने वाले हैं? दैट इज नोन एज द ट्रांजिशनल स्टूल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशनल स्टूल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल स्टूल कहते हैं। और उसके बाद में लगभग वन वीक, ठीक है, सो सेवन डे आफ्टर बेबी क्या करेगा? सेवन डे आफ्टर द बर्थ, बर्थ की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? सेवन डे आफ्टर बर्थ क्या करेगा बेबी? नॉर्मल स्टूल पास आउट करेगा। क्या करेगा? नॉर्मल स्टूल पास आउट करने वाला है। ट्रांजिशनल स्टूल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर ट्रांजिशनल स्टूल का जो कलर कोडिंग रहेगा वो क्या रहने वाला है? दैट इज ग्रीनिश ब्राउन। क्या रहेगा? ग्रीनिश ब्राउन, याद रख लीजिएगा, ग्रीनिश ब्राउन कलर का रहेगा, ठीक है, ग्रीनिश ब्राउन इन कलर। कौन सा? ट्रांजिशनल स्टूल। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन। अच्छा, पेपर अच्छे लेवल का था, देखिए टेस्ट सारे अटेम्प्ट करना भाई, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पांच टेस्ट आप एटलीस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन टेस्ट के रिगार्डिंग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। तीन चार क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते ताकि तुम्हारा दिमाग जो है एक बार एक्टिव हो जाए, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक आपको समझना है और साथ ही साथ याद भी करना है, अलग से टाइम नहीं देना है, आज की क्लास के साथ में ही पूरा कॉन्ट्रासेप्शन आपको समझकर याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मस्ट मॉनिटर द प्री टर्म इन्फेंट। प्री टर्म इन्फेंट के अंदर कौन सा एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो नर्स असेसमेंट करने वाली है? पहला है हेमरेज, दूसरा है ब्रेन डैमेज, तीसरा है रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस और चौथा है एस्पिरेशन ऑफ द म्यूकस। फोर्थ वन क्या है? एस्पिरेशन ऑफ द म्यूकस। जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाए, ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट। वेरी गुड, यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देखिएगा आरडीएस आपको मोस्ट कॉमनली मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आरडीएस आपको मोस्ट कॉमनली मिलता है। किसके अंदर मिलता है? अगर बात करते हैं मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, या तो बेबी क्या हो, एलबीडब्ल्यू बेबी हो, क्या हो, लो बर्थ वेट बेबी हो, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है प्री टर्म बेबी हो, क्या हो, प्री टर्म बेबी हो। और आरडीएस में होता क्या है, द बेबी फेल्योर टू डेवलप लंग सर्फेक्टेंट। क्या नहीं कर पाएगा? लंग सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? बेबी क्या है, या तो एलबीडब्ल्यू है या फिर प्री टर्म बेबी है, मोस्ट कॉमनली इन दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको आरडीएस देखने को मिलता है, याद रखिएगा आरडीएस ऑल्सो सीन इन द बेबी विथ डायबिटिक मदर। बेबी विथ डायबिटिक मदर, अगर मान लीजिएगा कोई बेबी है और उसकी माताजी को क्या था, डायबिटीज था, तो बेबी अगर डिलीवर होगा तो आप सभी को पता है कि आफ्टर जस्ट डिलीवरी बेबी के अंदर क्या मिलता है, हाइपर इंसुलिनेमिया मिलता है। इस बेबी के अंदर क्या मिलेगा? हाइपर इंसुलिनेमिया। और हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है सर? हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशन इंडिकेट करती है इंसुलिन जो रहेगा आपका, इंसुलिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ स्टीरोइड, स्टीरोइड के जस्ट अगेंस्ट रहेगा, यानी इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो स्टीरोइड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और आपके जो लंग सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या, एक प्रकार से स्टीरोइड के ही एग्जांपल है, ठीक है, लंग्स सर्फेक्टेंट जो रहेंगे वो क्या है, स्टीरोइड के ही एग्जांपल है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या होता है, जैसे ही बेबी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो वहां पर क्या होगा, उस बेबी के अंदर लंग सर्फेक्टेंट का प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी आपको क्या देखने मिलता है, आरडीएस देखने को मिलता है। और क्लिनिकल फीचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है आरडीएस के अंदर,
कि आरडीएस के क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होने वाले हैं। व्हाट इज द क्लिनिकल साइन ऑफ द आरडीएस? सभी को पता है नेजल फ्लेयरिंग होगी। क्या होगी? नेजल फ्लेयरिंग। क्वेश्चन बार बार आता है। और नेजल फ्लेयरिंग किसके साथ होगी? जब बेबी क्या करेगा? विथ इंस्पायरेशन। जब बेबी क्या करेगा? इंस्पायरेशन करेगा तो नेजल फ्लेयरिंग होगी। ठीक है, सेकंड वन कंडीशन की अगर बात करते हैं, चेस्ट रिट्रैक्शन होने वाला है। क्या होगा? चेस्ट रिट्रैक्शन रहने वाला है। क्लियर हुआ? यानी चेस्ट श्रिंक हो जाएगी अंदर की तरफ। इसी के साथ बात करते हैं तो ग्रंटिंग आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रंटिंग। और ग्रंटिंग में क्या होता? एक साउंड प्रोड्यूस होगा। किसके साथ में? जब बेबी एक्सपायरेशन करेगा। क्या करेगा? जब बेबी एक्सपायरेशन करेगा। और इसी के साथ बेबी के अंदर क्या मिलता है? सी सॉ रेस्पिरेशन। आरडीएस के क्लिनिकल फीचर है बेटा। क्या मिलेगा? सी सॉ रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है। सी सॉ रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है? The opposite movement of the chest and abdomen with the respiration. Respiration के साथ में chest और abdomen का opposite movement आपको देखने को मिलेगा। बात clear हो गई सभी को? यहां तक समझ में आ गया सभी को? Next में देखिएगा, RDS वाली situation है तो baby के अंदर और अलग symptoms की बात करते हैं। क्या होगा? Acidosis होगा। क्या होगा? Acidosis होगा। Tachypnea होगा। क्या होगा? Tachypnea की situation देखने को मिलने वाली है। इसे नोट कर लेना बेटा, आरडीएस में टैकेपनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलने वाले। क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ द स्पर्म फॉर द कंसेप्शन टू अकर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया। इसी के बेसिस पर मैंने आपको एक कल क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आंसर करना है। स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मैच्योरिटी और सीमन वॉल्यूम। अगर देखिएगा कंसेप्शन के रेफरेंस में बात करते हैं तो स्पर्म की काउंट इंपोर्टेंट है, उसकी मोटिलिटी इंपोर्टेंट है, उसकी मैच्योरिटी इंपोर्टेंट है, उसका वॉल्यूम इंपोर्टेंट है। जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा। विच वन इज द राइट आंसर? फटाफट एक बार आंसर पुट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं The adequacy of the sperm for conception, ठीक है? Adequacy for the sperm for the conception, conception के लिए sperm की adequacy अपन checkout करेंगे, तो उसकी motility ज्यादा important है, उसकी volume ज्यादा important है, उसकी maturity ज्यादा important है, फिर उसका count ज्यादा important है। जल्दी से right answer put करें। Very good। यहां पर देखिए, मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने आपको motility, दूसरा बताया था मैंने आपको morphology। तो motility और morphology both are the important, लेकिन motility इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया होता है, ठीक है? और अगर बात करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया की, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर द मेल इनफर्टिलिटी, मेल की इनफर्टिलिटी को डिसाइड करने के लिए जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो क्या रहता है? आपके स्पर्म की मोर्फोलॉजी, ठीक है, यानी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। और मोर्फोलॉजी का मैंने बताया था एटलीस्ट 30% स्पर्म शुड बी नॉर्मल। 30% स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। और वही अगर बात करते हैं मोटिलिटी की, तो एटलीस्ट 50% स्पर्म शुड बी मोटाइल। 50% स्पर्म क्या होनी चाहिए? मोटाइल होने चाहिए। बात क्लियर हो गई सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए क्लासिकल साइन ऑफ PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर क्या क्लासिकल साइन आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा। The classical sign of pregnancy induced hypertension, पहला है edema of the feet and ankle, दूसरा है edema of the hand and face, तीसरा है weight gain of the 1 lb/week, and last one is the early morning headache. Which one is the right answer? जल्दी से answer put कीजिएगा। What is the classical sign of pregnancy induced hypertension? PIH के regarding classical sign क्या होने वाला आपका? Which one is the correct answer? एजोस्पर्मिया का मतलब होता है बेटा कि सीमन के अंदर स्पर्म एब्सेंट है, और एस्पर्मिया का मतलब होता है सीमन ही एब्सेंट होगा, ठीक है? एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जहां पर सीमन तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें स्पर्म एब्सेंट है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। देखिए यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज है बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अगर आप बात करें किसके लिए, एडिमा ऑफ द फीट एंड एंकल, तो यहां पर देखिएगा नॉर्मल फिनोमेना होता है प्रेगनेंसी वाले सिचुएशन में। नॉर्मल फिनोमेना होता है प्रेगनेंसी वाले सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि फीमोरल वेन प्रेशर बड़ा होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? फीमोरल वेन प्रेशर बड़ा होता है। वेना कावा हो सकता है, कंप्रेस रहे, उसके कारण भी क्या रहेगा? नॉर्मली भी आपको फीट और एंकल एडिमा तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्रीएक्लेम्प्सिया वाला सिचुएशन है, तो क्या होगा? वहां से एडिमा होगा, प्रोटीन यूरिया होगा और हाइपरटेंशन होगा।
तो उसी प्रोटीन यूरिया के कारण फीमेल को हैंड और फेस के ऊपर एडिमा मिलेगा। तो दिस इज द क्लासिकल साइन, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फेस। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक बात क्लियर होगी सभी को? यहां पर देखिए, वेट गेन ऑफ द 1 lb पर वीक, एक वीक में केवल 1 pound वीक, सॉरी एक वीक में केवल 1 pound क्या हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है। तो इस क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो यहां पर कितना होने वाला है, अगर मान लिया किसी फीमेल के अंदर मोर देन 5 lb पर मंथ वेट इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर बात करते हैं मोर देन 1 lb पर वीक आपका क्या हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्राइटेरिया 33% इंडिकेट करता है पीआईएच होने का। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है और ना ही मॉर्निंग हेडेक का क्राइटेरिया है। अगर क्लासिकल साइन की ही बात करते हैं, पीआईएच के अंदर 3 condition होती है, कौन कौन सी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या पढ़ते हैं अपन, सर हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर एक चीज पढ़ते हैं कि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और आफ्टर 20 वीक यानी मोर देन 20 वीक पर अगर उसको मान लीजिएगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्या बढ़ गया उसका ब्लड प्रेशर, नो प्रोटीन्यूरिया नो एडिमा, ना तो प्रोटीन्यूरिया होगा ना ही एडिमा होगा, उसे हम कहेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और अगर यहीं पर बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया की, किसकी बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया की बात करते हैं, वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर सर सेम कंडीशन मोर देन 20 वीक की बात करते हैं, 20 वीक के बाद में क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा फीमेल के अंदर, इसी के साथ कंडीशन क्या होगी आपको एडिमा की सिचुएशन देखने को मिलेगी। और लास्ट में बात करते हैं प्रोटीन यूरिया, कंडीशन क्या होगी प्रोटीन यूरिया की सिचुएशन होगी, ठीक है। और एक्लेम्सिया की बात करते हैं, एक्लेम्सिया में क्या हो जाएगा एडिशनली एक्लेम्सिया के अंदर सीजर आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे एक्लेम्सिया के अंदर एडिशनली क्या मिलेगा आपको, सीजर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, तो बायोलॉजिकल मार्कर क्या होने वाला है किसका, प्री एक्लेम्सिया का। तो प्री एक्लेम्सिया की बात करते हैं, बायोलॉजिकल मार्कर क्या होने वाला है बेटा, फटाफट राइट आंसर पुट कर दीजिएगा, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, यूरिक एसिड लेवल की, किसकी बात करते हैं यूरिक एसिड लेवल। और यूरिक एसिड लेवल अगर मान लिया किसी फीमेल के अंदर कितना है 4.5 mg/dL से ज्यादा है तो इंडिकेट करेगा प्री एक्लेम्सिया को। यूरिक एसिड लेवल कितना है, इफ द मोर देन 4.5 mg/dL, ठीक है, तो ये इंडिकेट किसको करेगा, इट विल बी इंडिकेट द प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया को इंडिकेट करने वाला है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, दैट इज द यूरिक एसिड लेवल, इफ द मोर देन 4.5 mg/dL इंडिकेट द प्री एक्लेम्सिया सिचुएशन। क्लियर हुआ सभी को? और यहां पर देखिएगा हर जगह मैंने एक लाइन लिखी है, आफ्टर 20 वीक, आफ्टर 20 वीक, तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो 20 वीक के बाद में ही क्या रीजन है, तो यहां पर एक सिंपल सा वर्ड याद रख लीजिएगा, एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, क्या याद रखेंगे बेटा, रीजन क्या है, मोर देन 20 वीक के बाद में ही ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, रीजन है इसका एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन वाली सिचुएशन हो रही है, इसीलिए क्या होता है सर, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है दो फेज में होता है, एक 13 वीक पे होता है, एक 16 से 18 वीक पे होता है। अगर मान लीजिएगा ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन 16 से 18 वीक पर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, क्लास है आपके लिए एक ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज कवर करवा रखी है, ठीक है, जितनी भी थ्योरी क्लासेज मैंने कवर कर रखी है यूट्यूब के ऊपर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आपको, तो जब भी आपको टाइम मिले आप उन क्लासेस को देखते रहे भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कॉजेटिव एजेंट और डिजीज को क्या करना है आपको, सुमेलित करना है, ठीक है, मिलान करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए एक तरफ आपको दिए गए डस्ट पार्टिकल, दूसरी तरफ दिए गए आपको डिजीज कंडीशन, डस्ट पार्टिकल और डिजीज कंडीशन, तो जल्दी से देखिएगा, कोल डस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कोल डस्ट, तो कोल डस्ट से क्या कोज होता है बेटा, एंथ्रेकोसिस कोज होता है, क्या होता है एंथ्रेकोसिस। क्लियर हुआ, हे डस्ट या ग्रेन डस्ट, हे भी पूछा जा सकता है या फिर पूछ ले ग्रेन डस्ट, ठीक है,
ग्रीन एंड हे डस्ट क्या कोज करती है सर? कोज करती है फार्मर्स लंग्स डिजीज। क्या कोज करती है? फार्मर्स लंग्स डिजीज, सभी को पता है सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन फाइबर, कौन सा? कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर क्या कोज करने वाला बेटा? कैन फाइबर बैगासोसिस, कॉटन फाइबर बाइसिनोसिस। कॉटन फाइबर क्या कोज करता है? बाइसिनोसिस। क्लियर हुआ? तो कॉटन फाइबर क्या कोज करेगा? बाइसिनोसिस। और कैन फाइबर की बात करते हैं दैट कोज द बैगासोसिस। सही है, फर्स्ट वन बी, तो दो जगह आपको दिया गया है। सेकंड वन सी, फार्मर लंग्स। थर्ड वन इज डी, यानी कॉटन फाइबर बाइसिनोसिस और कैन फाइबर आपको बैगासोसिस कोज करने वाला। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तुमसे ज्यादा एम्स को चिंता है, पैसे लेके फॉर्म भर दिए, एग्जाम उनको करवानी है, एडमिट कार्ड लेके क्या अभी फ्लाइट बुक करोगे क्या? इतनी दूर तो आने वाला नहीं है तुम्हारा सेंटर, सबके सिटी में आपको मिल जाएंगे। सर रहा नहीं जा रहा, ना ऐसा हो कहीं कि हमने जो पढ़ाया हम भूल जाएं, अभी सेंटर के बाहर जाके बैठ जाएंगे, है ना। बस अब ये आ रहा है कि एग्जाम जितनी जल्दी हो ले ले, वरना हमने जो पढ़ रखा है वो कहीं इधर उधर ना चला जाए, ऐसा ही कुछ डर रहेगा शायद आपके मन में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अच्छा चिंकी के पापा, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन के फंक्शन की बात कर रहे बेटा, ऑक्सीटोसिन के फंक्शन की बात कर रहे। पहला है मिल्क इजेक्शन, दूसरा मिल्क प्रोडक्शन, तीसरा है मिल्क स्टोरेज, चौथा है फैसिलिटेशन ऑफ द लेबर, एंड लास्ट वन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, विच वन इज द राइट आंसर? जल्दी से सही आंसर पुट कीजिएगा बेटा, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओनली वन, वन एंड फोर ओनली, वन टू एंड फोर ओनली, एंड थ्री फोर एंड फाइव ओनली। जल्दी से राइट आंसर पुट कर दीजिएगा, भूलना नहीं है, जो जितना पढ़ रखा है सारा याद आ जाएगा। एक बार एग्जाम सेंटर के अंदर जाइएगा, अंदर बैठिएगा, पेपर को देखेंगे, साइड में जब ध्यान नहीं जाएगा, पूरा कंसंट्रेशन पेपर में रहेगा, हर एक चीज आपकी पढ़ी हुई आएगी, तो क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ अलग आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका सातवें आसमान पर रहेगा, तो उस टाइम पे थोड़ा खुद को मैनेज भी करना है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है तो उस चक्कर में छोटी चीजें पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वन एंड फोर। तो देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन करवाता है और उसी के साथ साथ फैसिलिटेशन ऑफ द लेबर, लेबर फैसिलिटेट करवा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी को बताया, देखिएगा पहले अपन बात करते हैं मिल्क इजेक्शन के बारे में, थोड़ा समझ लीजिएगा। आप सभी ने एक रिफ्लेक्स पढ़ रखा होगा, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या पढ़ रखा है हमने सर? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ रखा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स। जब बेबी क्या करेगा? ब्रेस्ट फीडिंग करेगा। जब बेबी क्या करेगा? ब्रेस्ट फीड करेगा। तो ब्रेस्ट फीड करते टाइम पर क्या होता है? बेबी के सकिंग स्टिमुलेशन के द्वारा T4, T5 और T6, क्या क्या? T4, T5 और T6 क्या होगा? नर्व स्टिमुलेशन होगा। और ये नर्व स्टिमुलेशन कहां पे जाएगा? सर हाइपोथैलेमस पे जाएगा। और हाइपोथैलेमस से कहां पर चला जाएगा? हाइपोथैलेमस से चला जाएगा ये पिट्यूटरी के अंदर। कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चला जाएगा। और पोस्टर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? सर पोस्टर पिट्यूटरी रिलीज करवाएगी ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? सर ऑक्सीटोसिन आएगा और आकर क्या करेगा? मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। किसके ऊपर? मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट के ऊपर क्या करेगा? वर्क करने वाला है। और मायोपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेंगी? मिल्क इजेक्शन करवाएंगी, यानी मिल्क का इजैकुलेशन, ठीक है। मिल्क का क्या करवाएगी? इजैकुलेशन करवाएगी। बात क्लियर होगी? इस प्रोसेस को कहते क्या है? इस प्रोसेस को क्या कहते भाई? इट इज ऑल्सो नोन एज द गैलेक्टोकाइनेसिस। क्या कहेंगे इस कंप्लीट प्रोसेस को? इट इज नोन एज द गैलेक्टोकाइनेसिस। याद रख लीजिएगा बेटा, दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज द गैलेक्टोकाइनेसिस प्रोसेस। यानी मिल्क इजेकुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसे गैलेक्टोकाइनेसिस कहते हैं। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिए गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल रहेगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल रहेगा। हर चीज सीक्वेंस से समझ में आ रही है ना?
क्लियरली समझ में आ रहे हैं सभी को। इसी के अलावा बात करते अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्रेस्ट फीडिंग की रिगार्डिंग ही बात करते, चार प्रोसेस होती है। देखिएगा मेमोजेनेसिस की अगर बात करते हैं, मेमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, और डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट किसके द्वारा होगा आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा एस्ट्रोजन काम करने वाला है, इसी के साथ में प्रोजेस्टेरोन वर्क करेगा, कौन प्रोजेस्टेरोन वर्क करेगा, ठीक है बात क्लियर होगी। सबसे पहले होता है आपका मेमोजेनेसिस, नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोजेनेसिस की, सेकंड वाली स्टेप क्या आने वाली है आपकी सर, आने वाली है लैक्टोजेनेसिस। अब देखिएगा लैक्टोजेनेसिस में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, क्या कंफ्यूजन होता है, यहां पर मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, दोनों वर्ड याद रख लीजिएगा, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन किसके द्वारा होता है बेटा, These are regulated by the prolactin hormone. So it means lactogenesis maintain किसके द्वारा होगा सर, prolactin के द्वारा maintain होगा, किसके द्वारा prolactin hormone के द्वारा maintain किया जाता है। और last one बात करते हैं, इसके बाद में क्या आएगा आपका galactokinesis, किस कौन सा आएगा galactokinesis, sequence से बता रहा हूं galactokinesis जो कि हमने पढ़ लिया है, कौन maintain कर रहा है आपका ejaculation oxytocin के द्वारा, और last one कौन सा होता है आपका, हमने क्या किया पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में मिल्क इजेकुलेशन हुआ, और अब लास्ट में आता है आपका गैलेक्टोपोइसिस, क्या आता बेटा गैलेक्टोपोइसिस, और गैलेक्टोपोइसिस का मीनिंग क्या है, सिंथेसिस और सिक्रेशन को मेंटेन करने का काम, ठीक है यानी कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो प्रोसेस को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा आपका प्रोलैक्टिन ही करेगा, कौन करेगा प्रोलैक्टिन ही करने वाला है, ठीक है बात क्लियर हो गई सभी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा, यहां तक हमने सारे बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए, हमारा एक्चुअल टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, ठीक है हर एक क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल चीज भी आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, वैसेक्टॉमी या फिर ट्यूबेक्टॉमी, क्वेश्चन को देखिएगा आंसर पुट कीजिएगा, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, यहां से आने वाली हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इतनी कि वो आपका सिलेक्शन भी करवा सकती है, ठीक है बात को समझ रहे हो ना, चलिए फोकस करिएगा, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा होने वाला है, वेरी गुड सर हमें पता है ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी गुड, कौन सा है ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशनल एमनोरिया सर हम सभी ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है हमने लैक्टेशनल एमनोरिया, और ये क्या हो गया नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है लैक्टेशनल एमनोरिया, और इसके अंदर सर हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल है जो क्या करवा रही है बेटा, केवल आपको पूछा जाए ब्रेस्ट फीड करवा रही है, क्या करवा रही है ब्रेस्ट फीड, तो उसके अंदर 3 मंथ के लिए रहेगा, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई फीमेल जो है वो क्या करवा रही है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही है, क्या करवा रही है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसके अंदर कितना रहेगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ तक लैक्टेशन एमनोरिया रहेगा, और अगर मान लीजिए कोई फीमेल जो है वो नॉन लैक्टेटिंग मदर है, क्या है नॉन लैक्टेटिंग फीमेल है, तो उसके अंदर लगभग 1 मंथ के लिए क्या रहेगा एमनोरिया की सिचुएशन रहने वाली है, बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कोप ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूडेड, स्कोप ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूडेड, एडवाइस ऑन द स्टरिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड द लिमिटेशन ऑफ द बर्थ, एजुकेशन ऑन द पेरेंटहुड, एंड लास्ट वन इज द ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा फटाफट, ऑप्शन डी ऑप्शन ए, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिएगा फैमिली प्लानिंग की स्कोप सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है फैमिली प्लानिंग की स्कोप और सर्विसेज की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होने वाला है स्टेरिलिटी की एडवाइस दी जाती है, प्रॉपर स्पेसिंग और लिमिटेशन के बारे में, एजुकेशन ऑफ द पेरेंटहुड, इसी के साथ साथ देखिएगा प्री मैरिटल काउंसलिंग, क्या क्या आ सकती है ऑप्शन के अंदर प्री मैरिटल काउंसलिंग हो सकती है, प्री मैरिटल काउंसलिंग
हो सकती है, ठीक है। इसी के अलावा देखिएगा, मैरिज काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है? मैरिज काउंसलिंग। इसी के अलावा देखिएगा, सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या हो सकता है? फैमिली प्लानिंग के अंदर में ही या सर्विसेज दी जाती है, फिर इसके बारे में समझाया जाता है। बात क्लियर होगी सभी को? नेक्स्ट वन देखिएगा, कैरी द रेगुलर प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये चार से पांच सर्विसेज या स्कोप होते हैं जो आप याद रखिएगा, कोई सा भी आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। नेचुरल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, कैलेंडर मेथड, कॉन्डम, आईयूसीडी और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। यहां से अपन बात करेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा आने वाले एक से डेढ़ घंटे के लिए, ठीक है। तो पूरी तसल्ली से और शांति से बैठकर हर चीज को समझते रहना, इतने काम की चीज आने वाली है जो आपको कंसाइज करके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने वाला हूं कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन देख लिया आप सभी ने? वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड को अपन क्या कहते हैं? हाँ, कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड, इसी को बोलते हैं अपन क्या? रिदम मेथड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन? सेफ पीरियड। क्या बोलते हैं? सेफ पीरियड भी इसी को बोला जाता है। इसी के अलावा देखिएगा, नेचुरल मेथड की और बात कर लेते हैं, कोइटस इंटररप्टस। कौन सा? कोइटस इंटररप्टस मेथड, ठीक है, यानी विड्रॉवल मेथड जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा बीबीटी, बेसल बॉडी टेम्परेचर। कौन सा? बेसल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी। कौन सा? सर्वाइकल म्यूकस स्टडी। नेक्स्ट वन, एब्सिस्टेंस। नेक्स्ट वन कौन सा आता है? एब्सटिनेंस, ठीक है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड, मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। क्वेश्चन सिंपल सा है और आंसर भी सिंपल सा है, ठीक है। एब्सिस्टेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड, यानी कंप्लीटली इफेक्टिव है, ठीक है। क्या है? कंप्लीटली इफेक्टिव है। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट आंसर करना है एब्सिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? बेटा कैलेंडर मेथड में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। सेफ पीरियड, रिस्की पीरियड, सेफ पीरियड और रिस्की पीरियड अपन एनालिसिस करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई फीमेल है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, ठीक है, 28 डेज की है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, देखिएगा 5 डेज, 10 डेज, नेक्स्ट वन 20 डेज और नेक्स्ट वन 28 डेज और यहां पर 14 डेज, ठीक है। तो सेफ पीरियड की बात करते हैं, एक से 10 जो टाइम है उसको सेफ के अंदर काउंट किया गया है, उसके अंदर 11 से लेकर 20 तक किसमें काउंट किया गया है? रिस्की पीरियड में। उसके बाद में 21 to 28 फिर से किस पीरियड के अंदर होता है? सेफ पीरियड में होता है। यही हमारा कैलेंडर मेथड होता है, ठीक है। यही क्या होता है? कैलेंडर मेथड होता है। क्लियर हुआ बेटा? वैसेक्टोमी भी तो है इफेक्टिव, तो कहां जा रहे हो? बात किसकी कर रहे हैं? नेचुरल मेथड की कर रहे हैं। हर चीज को समझो, ध्यान से समझो। इफेक्शन की बात करते हैं, इफेक्टिव की बात करते हैं, बहुत सारे इफेक्टिव मेथड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? स्पेसिंग मेथड है या फिर टर्मिनल मेथड है? ये स्पेसिंग मेथड है, ठीक है, इन बिटवीन गैप है, ठीक है, दो बच्चों के बीच में जो गैप मेंटेन किया जाता है, स्पेसिंग मेथड के अंदर आएगा नेचुरल मेथड। टर्मिनल में जो आपका टर्मिनल मेथड है, यानी इसके अंदर कंप्लीटली ही टर्मिनेट कर दिया, तो वहां ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी आएगी आपकी। तो फोकस करेगी क्वेश्चन क्या पूछना जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में अपन आंसर करेंगे। अब समझ लीजिएगा, देखिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? बैरियर मेथड के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिएगा बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर मेथड का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल क्या रहेगा इस बैरियर मेथड का? टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्या होता है बेटा? प्रिवेंट द
बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ टू प्रिवेंट द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द वेजाइना, यानी वेजाइना के अंदर स्पर्म के इजैकुलेशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। कौन? बैरियर मेथड। इस बैरियर मेथड की अगर बात करते हैं, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंट द एसटीडी। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, बैरियर मेथड क्या होता है, प्रिवेंट करता है किसको, एसटीडी को, ठीक है। किसको प्रिवेंट करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज को। क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन क्वेश्चन होगी यहां पर लिखी हुई, और अगर मान लीजिए और भी इफेक्टिव आपको पूछ लिया जाए तो इसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा, दैट इज द कॉन्डोम। और कॉन्डोम किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल बैरियर मेथड। किसका एग्जाम्पल है सर, फिजिकल बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, फिजिकल बैरियर मेथड का एग्जाम्पल होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है बैरियर मेथड और कॉन्डोम, दोनों में से आपको पूछ लिया कि विच वन इज द बेस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट द एसटीडी, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा कॉन्डोम। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब बात जब फिजिकल बैरियर मेथड की कर ही रहे हैं तो इसके भी सब क्लास की बात कर लेते हैं, यहां पर कौन कौन से इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो पहला आपका रहेगा, फर्स्ट वन इज द कॉन्डोम, सेकेंड वन इज द डायफ्राम, सेकेंड वन इज द डायफ्राम, और थर्ड वन इज द वेजाइनल स्पॉन्ज। तीन, और यहां तीनों से तीन क्वेश्चन बनेंगे, इन तीनों से तीन क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्डोम के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन बनेगा, किसके द्वारा बने होते हैं, पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं, ठीक है। क्या, किसके बने होते हैं, पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं। मेल और फीमेल दोनों कॉन्डोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं मेल कॉन्डोम के रिगार्डिंग, तो मेल कॉन्डोम जो गवर्नमेंट सप्लाई के द्वारा मिलता है उसका नाम क्या है, ब्रांड नेम क्या है उसका, निरोध, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और मेल कॉन्डोम ही बेस्ट इफेक्टिव रहता है किसके अंदर, मेल कॉन्डोम ही बेस्ट इफेक्टिव रहता है किसके लिए, टू प्रिवेंट द एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। बात क्लियर हो गई सभी को, जी बिल्कुल। अभी देखिए हर चीज का जवाब मिल जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेटिंग जो मदर रहेगी उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर कोई लैक्टेटिंग फीमेल है तो उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी रहेगी और कब उसको यूज करना है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भी, हर चीज समझते चलो। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आने वाले एक घंटे के लिए आप हर एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में तुम्हारा सिंगल वन क्वेश्चन भी अगर रह जाए तो उसके लिए मैं आपको हर एक आंसर बताकर जाऊंगा, ठीक है। जब मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर लाया है तो आप समझे इसका मतलब कि आपको इसमें हर वो चीज जो आपको समझनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। शांति से पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल शांति से पढ़ते रहें। क्लियर हुआ, चलेगा। सेकंड वन, ये तो बात हो गई मेल कॉन्डोम के रिगार्डिंग। दूसरे अगर बात करते कॉन्डोम के रिगार्डिंग, फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम भी जो रहेगा वो किसके द्वारा बना होता है, पॉलीयूरेथेन का बना होता है। और इसका मार्केट के अंदर जो नेम आपको देखने मिलेगा, दैट इज द FC2। किस नाम से मिलता है, ट्रेड नेम FC2, याद रखिएगा। क्लियर हुआ, और यहां पर नेक्स्ट वन देखिएगा, सेकंड बात करते हैं, कहां जा रहे हो, सेकंड वन बात करते हैं डायफ्राम के रिगार्डिंग। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डायफ्राम ऑल्सो नोन एज द डच कैप, सेकंड वन दैट इज डायफ्राम, सेकंड वन कौन सा है, डायफ्राम। इमेज आपको दिखा दूंगा, हाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, इट इज द डायफ्राम, या इसी को क्या बोलते हैं, पर इट इज ऑल्सो नोन एज द डच कैप, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द डच कैप। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस डच कैप के रिगार्डिंग, देखिएगा। डच कैप की अगर बात करते हैं तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो, ठीक है, उससे तीन घंटे पहले आपको यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा डच कैप, यूज थ्री हावर बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से लगभग आपको तीन घंटे पहले इसको क्या करना होगा, यूज करना होगा। बात क्लियर हुई, क्वेश्चन यहां पर आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसको छह घंटे के लिए रिमेनिंग रखेंगे, ठीक है। रिमेन इनसाइड द वेजाइना फॉर 6 hours, रिमेन इनसाइड द वेजाइना फॉर एटलीस्ट 6 hours आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, आफ्टर द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के लगभग
छह घंटे बाद तक आपको क्या रखना है, इसको वैजाना के अंदर ही मेंटेन रखना है। बात समझ में आ गई सभी को? देखिएगा सर, डच कैप को रेगुलर मैंने यूज बता दिया, ये तो हो गया आपका रेगुलर यूज। अगर मान लिया कोई फीमेल है, कोई फीमेल है जिसकी डिलीवरी हुई है, क्या हुई है उस फीमेल की डिलीवरी हुई है, तो डायफ्राम कब यूज करना है? डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के बाद में डायफ्राम कब यूज करना है? आफ्टर द इन्वॉल्यूशन, आफ्टर द इन्वॉल्यूशन। और इन्वॉल्यूशन की बात करें तो लगभग अपन मान सकते हैं क्या, सिक्स वीक आफ्टर द डिलीवरी आपको क्या यूज करना है, डच कैप या डायफ्राम को यूज करना है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन, यहां तक बात होगी हमारे डायफ्राम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा बेटा यहीं से आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट वन हमारा जो तीसरा ऑप्शन था कौन सा था, दैट इज द वेजाइनल स्पॉन्ज। कौन सा था? वेजाइनल स्पॉन्ज, इसके बारे में समझ लीजिएगा। थर्ड वन, ये बैरियर मेथड में आ रहे बेटा, किसमें आ रहे अभी तो बैरियर मेथड में, वेजाइनल स्पॉन्ज की बात कर लेते हैं। तो वेजाइनल स्पॉन्ज की बात करेंगे तो इमेज को ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। दिस इज द वेजाइनल स्पॉन्ज, सभी को क्लियरली दिखाई दे रही है, इमेज अच्छे से दिखाई दे रही है। देखिए इस वेजाइनल स्पॉन्ज की बात करते, इसका ट्रेड नेम क्या होने वाला है, इसका ट्रेड नेम क्या रहने वाला है, ट्रेड नेम की बात करें तो टूडे, किस नाम से मिलती है, टूडे के नाम से। नोट कर लेना, ट्रेड नेम क्या होने वाला है इसका, टूडे स्पॉन्ज। क्लियर हुआ यहां तक? बात सभी को क्लियर हो चुकी है? नेक्स्ट वन, इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं केमिकल, ठीक है, तो क्या परसेंट होता है, नॉनोक्सिनॉल 9, क्या परसेंट रहेगा, नॉनोक्सिनॉल 9 परसेंट होता है। सर अभी आपने बताया कि ये बैरियर मेथड होता है, तो फिर इसके अंदर इस नॉनोक्सिनॉल 9 की क्या जरूरत है? जैसे हमने कंडम की बात की, उसके बाद में हमने किसकी बात की है, डायफ्राम में डच कैप की बात की है। ये डायरेक्टली देखने से लगता है कि क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, किसका, स्पर्म और ओम की मीटिंग का प्रिवेंशन कर रहे। लेकिन एक चीज एडिशनल है बेटा, वेजाइनल स्पॉन्ज को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, बैरियर मेथड के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या परसेंट होता है, नॉनोक्सिनॉल 9% होता है, जो स्पर्मिसाइडल एक्शन भी करता है। क्या करता है ये, इसका एक्शन किसमें रहेगा, फिजिकल में तो रहेगा, यानी प्रिवेंशन तो करेगा, किसको, प्रिवेंट द मीटिंग, ठीक है, किसकी, ओवम की स्पर्म के साथ, मीटिंग ऑफ ओवम विथ स्पर्म, स्पर्म के साथ मीटिंग को तो प्रिवेंट कर ही रहा है, इसी के साथ साथ क्या करेगा, ये स्पर्म को एब्जॉर्ब भी करेगा, क्या करेगा, स्पर्म का एब्जॉर्प्शन भी करने वाला है, और इसी के साथ साथ स्पर्मिसाइड एक्शन भी इसका रहता है, क्या रहता है, स्पर्मिसाइड एक्शन भी रहता है। ये एडवांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना बेटा इसके बारे में। क्लियर हुआ, सभी को याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, नॉनोक्सिनॉल 1 जो होता है इसका अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1 ग्राम परसेंट रहने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि इसको भी क्या करना होता है, आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स लगभग 6 से लेकर 24 घंटे तक, 6 to 24 hours तक क्या रखना है आपको, रिमेनिंग रखना है। इसको भी आपको 3 घंटे पहले यूज में लेना है, लगभग 6 से लेकर 24 घंटे इसको रिमेनिंग रहने देना है। बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन देखिएगा, केमिकल की बात करें तो केमिकल के अंदर जैली होती है, सपोजिटरी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रायूटराइन डिवाइसेस की, जहां से सिंपली क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम की उत्तर। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आईयूडी की बात करते हैं, आईयूडी के अंदर सबसे पहले पर बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन, कौन सी, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। तो फर्स्ट जनरेशन को मन क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द इनर्ट या फिर नॉन मेडिकेटेड, या फिर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी भी इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सभी को याद है, एग्जाम्पल क्या होने वाला है फर्स्ट जनरेशन का, दैट इज लिप्स लूप, दैट इज लिप्स लूप। और लिप्स लूप कैसा होता है, डबल एस शेप होता है, कैसा होता है बेटा, डबल एस शेप का होता है। क्लियर हुआ सर, इसमें किसी प्रकार का कोई एजेंट पाया जाता है क्या जो स्पर्म को डैमेज करेगा, जी नहीं। लेकिन यहां पर देखिएगा, फर्स्ट जनरेशन हमने लिखा है नॉन मेडिकेटेड, यानी कोई मेडिसिन नहीं पाई जाती, ना ही इनमें कोई कॉपर वायर पाया जाता है, लेकिन फिर भी देखिएगा फर्स्ट जनरेशन आईयूडी जो होती है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करती है, फॉरेन बॉडी के प्रिंसिपल पर, ठीक है, फॉरेन बॉडी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। यानी जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो वहां पर क्या होगी, आपको एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी, क्या होगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन होने वाली है, जिसके तहत क्या कर देंगे, ये स्पर्म को डैमेज कर देंगे।
सिंपल एग्जाम्पल याद रखना आपको, लिप्स लूप डबल एस शेप का होता है। क्लियर हुआ? देखिए इमेज को ध्यान से समझिएगा, इमेज में आपको साथ साथ दिखा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतने ही देखेंगे इसको, है ना। दिस इज द लिप्स लूप, दिस इज द लिप्स लूप, याद रहेगा सभी को, दिस इज द लिप्स लूप। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वन, दिन में भी जाग गए क्या ये वायरस है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन देखिएगा, क्या हो गया बेटा, कौन से, देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन का रेशनल अभी दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। स्कोप की अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। नेक्स्ट वन ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वन सेकंड जनरेशन, ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, दो क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, सेकंड जनरेशन आईयूडी, ठीक है, सेकंड जनरेशन आईयूडी, या इसको क्या बोल सकते हैं, मेडिकेटेड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेडिकेटेड आईयूडी बोल सकते हैं, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉपर आईयूडी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉपर आईयूडी भी बोल सकते हैं। तीनों चीजें याद रखना, सेकंड जनरेशन कॉपर आईयूडी या फिर मेडिकेटेड। कॉपर आईयूडी क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉपर वायर प्रेजेंट होगा, वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, कॉपर रिलीज करेगा, और कॉपर क्या एक्शन करेगा, स्पर्मिसाइडल एक्शन करता है। अब यहां से सुनते जाएगा एक एक चीज। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अर्लियर डिवाइसेज, यानी जो पहले डिवाइसेज यूज में ली जाती थी, ठीक है, जो पहले डिवाइसेज यूज में ली जाती थी वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट वन इज द कॉपर टी, फर्स्ट वन इज द कॉपर टी 200। देखिए आज से पहले मैंने इनके रिगार्डिंग शायद आपको एक बार पढ़ाया था, तो इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने दिन पे इनको चेंज करना है वो एक बार अच्छे से समझ लेना। पिछली बार एक क्वेश्चन यही आया था, तो हो सकता है आपको कुछ चेंजेस मिल जाए। तो कॉपर टी 200 जो रहेगा उसको एवरी थ्री ईयर में अपन रिप्लेस करते हैं। कितने दिन में, एवरी थ्री ईयर में रिप्लेस करना होगा। बात समझ में आ गई सभी को, प्रत्येक तीन साल में उसको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वन कॉपर टी 20C, कौन सा, कॉपर टी 220C, इसको आपको रिप्लेस करना है एवरी फोर ईयर में। आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई। कॉपर टी 380A लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपर टी 380A, कॉपर टी 380A कितने दिन में, सॉरी कितने साल में इसको रिप्लेस करेंगे। मैक्सिमम होता है इसका 10 ईयर, ठीक है, लगभग 10 साल में क्या करना होगा, इसको 10 ईयर में आप इसको रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई यहां तक, लिखते जाएगा हर एक चीज काम की है। नेक्स्ट वन नोवा टी, कौन सा होता है, नोवा टी, और नोवा टी को रिप्लेस करेंगे 5 ईयर में। इसके अलावा देखिएगा मल्टी लोड की बात कर लेते हैं, कॉपर मल्टी लोड 250 और कॉपर मल्टी लोड 375, दोनों का मैंने आपको पहले बताया था 5 ईयर, लेकिन कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा, मल्टी लोड की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे किसमें हैं, सेकंड जनरेशन के अंदर आते बेटा, और कॉपर डिवाइसेज है। फर्स्ट वन इज द मल्टी लोड कॉपर 250, मल्टी लोड कॉपर 250, याद रखिएगा मल्टी लोड कॉपर 250 जो होता है उसको एवरी थ्री ईयर के अंदर रिप्लेस करना है। कितने दिन में, एवरी थ्री ईयर के अंदर, एवरी थ्री ईयर के अंदर रिप्लेस करना है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं सेकंड वन, मल्टी लोड कॉपर 375, मल्टी लोड कॉपर 375 कितने दिन में रिप्लेस करेंगे, एवरी 5 ईयर में, ठीक है, एवरी 5 ईयर में रिप्लेस करने हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई सभी को, कमेंट को थोड़ी देर ऑफ कर लीजिए और चुपचाप केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हर चीज के ऊपर फोकस करिएगा बेटा, ठीक है। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कमेंट आपको करना नहीं है, मैं क्वेश्चन कुछ करवा नहीं रहा, तो आप एक काम कीजिए मोबाइल की स्क्रीन को फुल कर लीजिए, केवल टॉपिक के ऊपर फोकस करें, समझने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन, हर एक चीज को अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना बेटा,
ठीक है, मल्टीलोड मैंने आपको आई थिंक बहुत पहले एक क्लास हुई थी उसमें फाइव ईयर बताया था, उसको चेंज कर लेना बेटा, एग्जैक्ट थ्री ईयर ही आएगा इसमें, ठीक है, एग्जैक्ट आपका थ्री ईयर ही आने वाला है इसमें, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, अगली बात करो, ये तो हो गई हमारी कौन सी सेकंड जनरेशन मेडिकेटेड या फिर कॉपर आईयूडी की बात हो गई, यहां तक समझ में आएगा सभी को। नेक्स्ट वन, तीसरा लिखेगा थर्ड जन, सॉरी हाँ थर्ड वन लिखेगा, नेक्स्ट वन थर्ड जनरेशन आईयूडी की बात कर, किसकी बात करते हैं, थर्ड जनरेशन इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोनल, क्या बोलते हैं बेटा, हार्मोनल। अब यहां पर देखिएगा हार्मोन रिलीज होंगे, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होने वाले हैं बात को समझेगा, बिल्कुल तीन साल ही होगा बेटा, ठीक है, मल्टीलोड कॉपर 250 जो रहेगा वो तीन साल के लिए ही यूज में लेते हैं, तीन साल पे इसको रिप्लेस करना होगा, बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिएगा हार्मोनल के अंदर पहला है आपका प्रोजेस्टेरोन, कौन सा होने वाला है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रोजेस्टेरोन में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, 38 मिलीग्राम, यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, 38 mg क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, और इसको रिप्लेस करते देखिएगा, इसके रिप्लेस के लिए कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को, लेकिन क्लियरली के पार्क के अंदर मेंशन किया हुआ है कि रिप्लेस जो होगा प्रोजेस्टेरोन वो एवरी वन ईयर पे होगा, रीजन समझ लीजिएगा, वैसे 38 mg प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा लेकिन रेगुलरली 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होता है, और अगर डेली मान लो 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होगा अगर, तो ये लगभग 12 से 18 महीने लगाएगा प्रोजेस्टेरोन कंप्लीट होने में, लेकिन फिर भी इसको रिप्लेस कितने दिन में करते हैं, एवरी वन ईयर में, इस प्रोजेस्टेरोन को रिप्लेस करने का टाइम लिख लीजिएगा बेटा, रिप्लेस इन एवरी वन ईयर, प्रत्येक एक साल के अंदर एवरी वन ईयर में आपको इसको रिप्लेस करना है, नोट कर लेना, बाकी क्लियरली उसमें दोनों चीजें लिखी हुई है कि जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो डिप्लीट होगा यानी खत्म हो जाएगा 12 से लेकर 18 महीने में, कितने महीने में, लगभग 12 से 18 मंथ के अंदर डिप्लीट हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको रिप्लेस आपको एक साल में ही करना है, रिप्लेस आपको एक साल में ही करना है, बात क्लियर हो गई सभी को यहां तक। नेक्स्ट वन, पहला हो गया हमारा हार्मोनल, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा याद रख लीजिएगा बेटा दैट इज मिरेना, कौन सा होता है, मिरेना, या इसी को बोलते हैं अपन क्या, LNG20 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LNG20, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें रहेगा लिवोनोजेस्टेरोन 20, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेगा, लिवोनोजेस्टेरोन 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है, इसमें लिख लीजिएगा लिवोनोजेस्टेरोन 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होगा, तो इसमें प्रेजेंट कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 52 mg प्रेजेंट रहता है, कितना होता है, 52 mg प्रेजेंट रहता है, और ये जो LNG20 है इसको अपन रिप्लेस करते हैं 7 साल में, और डेली कितना होगा, डेली की अगर बात करते हैं तो 20 माइक्रोग्राम, कितना, 20 माइक्रोग्राम रिलीज होता है बॉडी के अंदर, 20 माइक्रोग्राम रिलीज होगा बॉडी के अंदर, रिप्लेस अगर बात करते हैं LNG20 की तो रिप्लेस, देखिए वैसे दोनों चीजें लिखी हुई है, ठीक है, अब बुक्स के अंदर बहुत जगह आपको इधर उधर देखने को मिलेगा, लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखेगा 7 ईयर, और एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि लिवोनोजेस्टेरोन जो होता है वो लगभग 10 साल तक यूज में लेते हैं, लेकिन रिप्लेस का क्लियरली मेंशन है कि इसको 7 साल में आपको बदल लेना है, ठीक है बेटा, डाटा याद नहीं रहता, 2 क्वेश्चन डाटा से आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको कोऑपरेटिव में बताता रहता कि कहां कहां कितना क्या कॉपर रिलीज हो रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता और आपके काम की भी चीज नहीं है, जो आपके काम की है हर एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आएगा, पिछली बार दोनों शिफ्ट में समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन थे, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको क्लियरली पता है और वो इस टॉपिक की वैल्यू समझ सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया हो सकता है उनके लिए इस टॉपिक की वैल्यू ना हो, लेकिन आपको बेटा ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे CHO हो चाहे EMS हो, हर जगह, बात समझ में आ गई मेरी, चलिएगा। LNG20 का बेटा मैंने आपको क्या कहा है, लिवोनोजेस्टेरोन की अगर बात करते 10 साल के लिए बदलते हैं, लेकिन आपको मिरेना या स्पेशली LNG20 7 साल में रिप्लेस करना है,
स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बेटा यहां पर कुछ कुछ चीजें अपडेट आपको मिलेंगी। मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था यहां से चार से पांच महीने पहले, आप उसकी इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ाया था। कुछ बेस्ट बुक मैंने आपको प्रिफर की है जहां से आपको एग्जैक्ट डाटा मिले। जो भी डाटा लिख दिया उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इतना मैं कह सकता हूं, ठीक है। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में अगर आप ये सारे डाटा यूज करेंगे तो आपका सिंगल वन क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, बात को समझिएगा। ये भी मैंने कहा है कि ऑप्शन में 10 और 7 आए तो आपको 7 ही आंसर करना है, अगर ऑप्शन में 7 नहीं है तो आपको आंसर 10 करना है। यही कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे ना तो हर चीज क्लियर होगी माइंड में, अदरवाइज केवल अगर आप लिखे हुए पे ध्यान दोगे तो वहां से कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा, आईयूटी के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकता है। आईयूटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है सर इंसर्शन का, किसके रिगार्डिंग, इंसर्ट कब करेंगे। तो इंसर्शन करने की देखिएगा पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। वैसे तो बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा आपके सामने इंसर्शन, तो फर्स्ट से लेकर 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग फेज में भी इंसर्ट कर सकते हैं क्या। जी बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट टाइमिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इंटरनल ओस, सॉरी आपका जो एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस है दोनों क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, कंटिन्यूस ब्लीडिंग चलती रहेगी। 1 to 5 डेज तक आपका क्या रहेगा, सबसे मोस्ट इफेक्टिव टाइम रहेगा अगर फीमेल क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो। और प्रेगनेंसी में तो वैसे आपको कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले बात अगर आपको पूछ ली जाए क्या द बेस्ट टाइम, क्वेश्चन क्या था बेटा बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम क्या रहेगा, 1 to 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1 से 5 दिन का टाइम रहेगा। नॉर्मली अगर बात करते हैं इंसर्ट कब करेंगे, सो 2 to 3 डे आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज के लिए 2 से 3 दिन बाद में आपको क्या करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर पूछ लिया जाए तो 1 to 10th डे, सर कंफ्यूज कर दिया आपने कब इंसर्ट करेंगे, तो क्वेश्चन में देखेगा क्या ऑप्शन आएगा और क्या क्वेश्चन आएगा, वहां से आपको समझना है, ठीक है। मेरे ना प्रोजेस्टर दोनों हो, ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब मैं समझा कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट में जितने भी आपके डाउट रहेंगे, ठीक है, साथ साथ आप एक रफ नोटबुक रख लो, उसमें डाउट अपने जितने भी ना उसको साथ साथ नोट कर लो कि सर को क्या क्या पूछना है, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखिए 2 to 3 डे आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, ये एक नॉर्मल रेंज है या नॉर्मल प्रोसेस होगी। बेस्ट अगर टाइमिंग पूछ ले तो 1 to 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रहेगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, अगर कोई फीमेल है उसको डिलीवरी हुई है, भाई क्या हुई है, उसको डिलीवरी हुई है, अगर कोई फीमेल है उसको डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के कितने टाइम बाद में आपको यूज करना है, तो जस्ट बिफोर द डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, कि जब फीमेल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है उससे ठीक पहले ही आप आईयूडी यूज कर लीजिए, ठीक है। बिफोर द हॉस्पिटल डिस्चार्ज यानी फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी, कब बेटा, फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपको मान लीजिएगा बेस्ट टाइम में पूछ लेगा ना, क्या पूछ लेगा, बेस्ट टाइमिंग, तो कब होगा, आफ्टर इन्वॉल्यूशन, क्या होगा बेटा, आफ्टर इन्वॉल्यूशन होने वाला है। क्लियर हुआ सभी को, यानी लगभग 6 to 8 वीक, 6 से 8 वीक के बाद में। तो सर ये क्यों बताया, ये भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक्सपल्शन रेट ज्यादा होती है, क्या होती है, एक्सपल्शन रेट ज्यादा होती है। ये सारी आईयूटी का है बेटा, ठीक है, जितनी भी इंटरयूटेराइन डिवाइसेस मैंने पढ़ाई है ना उन सभी का इंसर्शन है ये, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, सभी आईयूटी का इंसर्शन एक साथ है, ठीक है, किसी में अलग से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी यानी फर्स्ट वीक ऑफ द डिलीवरी आपको इंसर्ट करना है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग आफ्टर द डिलीवरी, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 6 to 8 वीक, ठीक है बेटा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी हो तो, और दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो मैंने क्या कहा है, बेस्ट टाइमिंग कौन सा रहेगा, आफ्टर इन्वॉल्यूशन, 6 to 8 वीक आपका राइट आंसर रहेगा। बात को समझ गए सभी, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सर कहां कहां सी आई है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होने वाले हैं, अगर क्या है फीमेल में सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, आपको लगता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस टाइम में आप
इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट वन, पहली कंडीशन, अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म है तो वहां पर आपको नहीं करना है। दूसरी कंडीशन, पैल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है। तीसरी कंडीशन, सी ए यूट्रस, अगर मान लीजिए फीमेल में क्या है, यूट्रस का कैंसर है, सी ए यूट्रस है, यानी यूट्रस का कैंसर है, ठीक है, अगर यूट्रस का कैंसर तो वहां पर आपको नहीं करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, वेजाइनल ब्लीडिंग विद अननोन कॉज, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, रीजन आपको नहीं पता है, अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेजाइनल ब्लीडिंग विद अननोन कॉज, आपको रीजन नहीं पता है। एंड नेक्स्ट वन, अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग भी नहीं है ये कोई और रीजन से है, किसी डिजीज कंडीशन के कारण है। नेक्स्ट वन, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या है, पहले अगर मान लिया फीमेल को क्या हुआ था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है, तो वहां पर भी आप क्या नहीं करेंगे, वहां पर भी हम इंट्रायूटराइन डिवाइसेस को इंसर्ट नहीं करने वाले हैं। फीमेल अगर मान लीजिएगा एनीमिक है, फीमेल क्या है, एनीमिया की कंडीशन है, क्योंकि फीमेल में क्या होता बेटा, आईयूडी के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, हमने पढ़ रखा है ना, अगर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस अपन लगाएंगे तो वहां पर फीमेल को क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट की बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें अपन साइड इफेक्ट की, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लीडिंग भी होती है, पेन भी होती है। फीमेल के अंदर क्या है, एनीमिया है, तो आप अगर उसे आईयूडी लगाएंगे और फिर से मान लिया फीमेल के अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एनीमिया सीवियर होता चला जाएगा, तो हमारे लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो सारी चीजें हो गई, अब देखिएगा कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, कुछ स्पेशल की पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्पेशल की पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां से आप मान के चलेगा कि कहीं ना कहीं सीएचओ या एम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन या तो आए हुए हैं, ठीक है, और रिपीट होते रहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां से हर बार किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन क्या होता है सर, कंजंक्टिवल कॉपर, क्या हो गया, एक्सक्रीशन के डिसऑर्डर को क्या बोल सकते हैं, मतलब कुछ समझा नहीं बेटा, एक्टिव प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट इसलिए कि साइड इफेक्ट में एट्रोपिक प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलती है। आईयूडी का साइड इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक्टिव प्रेगनेंसी भी हो सकती है फीमेल को, तो जब इसका खुद का साइड इफेक्ट है और पहले से ये हो रखा है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है दोबारा से एक्टिव प्रेगनेंसी होने की, इसलिए, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत वेरिएशन होगा बेटा, लेकिन थ्योरिटिकली आपको यही याद रखना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। सबसे पहले पूछा जाता है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंट्रायूटराइन डिवाइसेस क्या होने वाला है, पेन या ब्लीडिंग। तो फर्स्ट वन याद रख लीजिएगा, ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूडी, और ये जो ब्लीडिंग है अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो डिसअपियर होने में 1 से 2 महीने ले लेगी। कितने टाइम ले लेगी, डिसअपियर इन 1 to 2 months, 1 से 2 महीने में डिसअपियर होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन, विच वन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, तो वहां पर क्या रहने वाला है, पेन, पेन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन। बात क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज द मोस्ट कॉमन रीजन टू रिमूव द आईयूडी, आईयूडी को रिमूव करवाने के लिए, हटाने के लिए सबसे बेहतरीन जो कारण होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन यही आएगा आपके सामने, विच वन इज द मोस्ट कॉमन रीजन, क्या रीजन रहेगा टू रिमूव आईयूडी, आईयूडी को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, राइट आंसर क्या रहेगा सर, राइट आंसर हमारा रहेगा पेन, पेन के कारण महिलाएं क्या करती है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस को रिमूव करवा देती है, क्या करती है, रिमूव करवा देती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा हॉर्मोनल और पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन देखते जाएगा बेटा, हर एक क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ रहा है ना सभी को, नोट्स बनाते रहिएगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, हर किसी बुक से सेलेक्ट करके कंसाइज करके पूरा कंटेंट एक क्लास में आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो आपको बहुत सारे बुक्स उठाने के बाद में मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना टाइम वेस्ट करें अपना, इसी क्लास से आपको हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन आया आपके सामने, द बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस, बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, राइट आंसर क्या होने वाला है? कॉपर टी। याद रख लेना बेटा, अगर बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछे, ठीक है, अगर मान लिया आपको क्वेश्चन पूछे बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो राइट आंसर क्या रहेगा? कॉपर टी रहेगा। मतलब इफेक्टिवनेस की बात करें ना इसकी, तो इमरजेंसी के अंदर इसकी इफेक्टिविटी कितनी रहती है? लगभग 99% रहती है। और अगर मान लिया आपको इमरजेंसी में यूज करना है, मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करेंगे ना, तो जस्ट विद इन 5 days आपको यूज करना है, तो यूज विद इन 5 days, यानी अगर मान लीजिएगा अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है आज, तो 5 दिन में अगर आप कॉपर टी लगवाते हैं तो 99% पॉसिबिलिटी रहती है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? यहां तक क्लियर हुआ ना? आई पिल होना चाहिए बेटा, सब चीज बताऊंगा, बस सुनते जाओ मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछेगा तो क्या होगा, आई पिल कहां पर आने वाली है, ठीक है, उसकी बात भी करूंगा मैं। अगर आपको पूछे केवल बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ भी नहीं कहा कि हॉर्मोनल है, इंट्राउटराइन डिवाइसेस है, कुछ भी नहीं कहा, तो वहां पर आपका प्रॉपर्टी आंसर आएगा। अगर आपको यही कह देता है बेस्ट इमरजेंसी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, बेस्ट इमरजेंसी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो राइट आंसर आएगा नल्ली प्रिस्टल। लिख लेना, राइट आंसर क्या आएगा? नल्ली प्रिस्टल, बेस्ट इमरजेंसी, बेस्ट इमरजेंसी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन पूछा जाए बेस्ट इमरजेंसी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा आपका नल्ली प्रिस्टल। लिखते जाओ और समझते जाओ, गारंटी है कॉन्ट्रासेप्टिव का एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारा। क्लियर हुआ? ये तो है सबसे बेस्ट। अगर इसी के जगह क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वन इज द सेकंड बेस्ट इमरजेंसी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखिए सेकंड बेस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर ऑप्शन में नल्ली प्रिस्टल नहीं होता है तो, ठीक है, एलएनजी होता है, बात को समझो, नल्ली प्रिस्टल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सेकंड वन कौन सा रहेगा? लिवोनोजेस्टेल ही रहेगा। कौन सा रहेगा? लिवोनोजेस्टेल। ये रहा आपका एलएनजी, दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन या बेस्ट, सेकंड बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर ऑप्शन में नल्ली प्रिस्टल नहीं है तो फिर तो आपका फर्स्ट यही हो गया ना, राइट आंसर। ठीक है, फिर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लिवोनोजेस्टेल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? तीसरा सवाल, सवाल बदलते रहेंगे, जवाब एक ही रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी में कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में ली जाती है, राइट आंसर क्या रहेगा? लिवोनोजेस्टेल। कौन सा रहेगा? लिवोनोजेस्टेल। बात समझ में आई सभी को? राइट आंसर क्या रहेगा? लिवोनोजेस्टेल। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट बाय द गवर्नमेंट सप्लाई के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, राइट आंसर क्या रहेगा? लिवोनोजेस्टेल। ठीक है, क्या रहेगा राइट आंसर? लिवोनोजेस्टेल। बात क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट वन, अब आप जो पूछ रहे थे आपके सवाल का जवाब, अगर मान लीजिएगा कोई फीमेल है जो क्या है, उसको डिलीवरी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं लैक्टेशन एमनोरिया है,
ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी, उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी, तो बेस्ट चॉइस उसके लिए रहेगी मिनी पिल या माइक्रो पिल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, लिख लेना बेटा कौन से रहेगी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, या फिर इसी को बोलते हैं अपन मिनी पिल, क्या बोलते हैं मिनी पिल्स या फिर माइक्रो पिल्स। ये सारे के सारे सवाल वो हैं, ये सारे के सारे सवाल वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। सर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक, वही कहा है मैंने, आप मैंने जितनी भी लाइन लिखी है हर लाइन के पीछे रीजन है कुछ ना कुछ। एलएनजी और कॉपर टी देंगे तो क्या होगा बेटा, उनका प्रिंसिपल एक्शन क्या बताया मैंने अभी आपको, आप क्लास को शुरू से पढ़ लीजिएगा जिन्होंने बीच में से देखना स्टार्ट किया है, मैंने सभी का प्रिंसिपल ऑफ एक्शन बताया कि स्पर्मिसाइड एक्शन दिखाएंगे, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। देखिए लास्ट तीन पेज में जितनी भी चीजें लिखी है ना, देखिए यहां पर मैंने आपको क्या लिखा है, सबसे पहले बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी, यानी यहां पर कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो, कुछ भी नहीं दिया मतलब कोई टर्म कंडीशन नहीं है, तो कोई नहीं है तो कॉपर्टी आपका राइट आंसर रहेगा। यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन सी रहेगी सबसे बेस्ट या हार्मोनल कौन सी रहेगी, ठीक है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कॉपर्टी ही राइट आंसर रहेगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया है, नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा अगला। अब हम बात करेंगे हार्मोनल, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि हार्मोनल कौन कौन से मेथड होने वाले हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज में लिए जाते हैं। हार्मोनल के अंदर देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे अपन कंबाइन पिल्स के बारे में, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। आपका पूरा फोकस होना चाहिए समझने के ऊपर, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो कमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आपको पूरा अटेंशन के साथ में सुनना चाहिए कि हाँ क्या कह रहे हैं सर और क्या लिख रहे हैं सर, तभी मेरी भावनाओं को आप समझ पाओगे, और मेरी भावनाओं को समझोगे तो आपके दिमाग में सारा नॉलेज यू की यू बैठ जाएगा और फिर आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, चलेगा। बात करें नेक्स्ट वन, चले नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल मेथड के बारे में, कौन सा मेथड, हार्मोनल मेथड। अब देखिएगा हार्मोनल मेथड के अंदर कौन कौन सी आते हैं भाई, हार्मोनल मेथड के अंदर, हार्मोनल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, कंबाइंड पिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट वन कंबाइंड पिल्स, और कंबाइंड पिल्स में क्या होता है सर, इसमें प्रोजेस्टेरोन भी होता है और इसके अंदर एस्ट्रोजन भी होता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, वेरी गुड। लेकिन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अपनी एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं होते, समझा रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट सप्लाई कौन सी होती है, ₹3 में कौन सी मिलती है, ठीक है, वो समझा रहा हूं, बात को ध्यान से सुने। देखिएगा कंबाइंड पिल में दो एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है माला डी और एक आता है माला एन, क्या आता है, एक आता है आपका माला डी और एक आता है माला एन, तो माला एन का क्या मतलब है, नो कॉस्ट, नो कॉस्ट कौन देगा, सरकार ही दे सकती है ना, तो माला एन जो रहेगी वो गवर्नमेंट सप्लाई के द्वारा आती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट सप्लाई के द्वारा आती है, और माला टी जो रहेगी वो मार्केट में आपको कमर्शियली मिलती है ₹3 में स्ट्रिप मिलती है, ठीक है, ₹3 की स्ट्रिप मिलती है, और माला एन, एन का मतलब क्या हो गया, नो कॉस्ट यानी फ्री हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री सप्लाई, और इसके ऊपर लिखा आता है नोट फॉर सेल, बात को समझे, नोट फॉर सेल। बात क्लियर हुई, अब देखिएगा माला डी और माला एन कितनी टैबलेट आती है इसमें, सर टैबलेट का पत्ता तो हमने नहीं देखा लेकिन पढ़ जरूर रखा है, ठीक है, तो माला डी और माला एन दोनों के अंदर सेम इक्विवेलेंट, यानी दोनों के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा, दोनों के अंदर कंटेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो 21 टैबलेट तो क्या रहती है आपकी, व्हाइट टैबलेट रहती है, कैसी, व्हाइट कलर की, जो हार्मोनल टैबलेट है, क्या है, हार्मोनल। यहां सुनना, अगर यहां एम्स क्वेश्चन बनाएगा तो क्या क्वेश्चन बनाएगा उसकी बात करूंगा। दूसरी बात करते हैं, 7 टैबलेट जो रहती है
कौन सी? 7 टैबलेट। इनका कलर कैसा रहता है? भूरा कलर रहता है, ठीक है, यानी ब्राउन कलर की रहेगी। और इसमें प्रेजेंट क्या रहेगा सर? आयरन प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? आयरन। कौन सी फॉर्म में रहेगा? फेरस फ्यूमरेट फॉर्म के अंदर। किसमें रहेगा? फेरस फ्यूमरेट फॉर्म के अंदर। तो फेरस फ्यूमरेट कितना रहेगा? 60 mg। कितना रहता है? 60 mg आयरन रहता है। बात क्लियर होगी? 7 टैबलेट और 21 टैबलेट, टोटल कितनी हो गई सर? टोटल हो गई 28 टैबलेट हो गई। कितनी होगी? टोटल 28 टैबलेट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिएगा, थोड़ा सा इमेज देख लो इसकी। क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन इसके आगे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सबर रखना। दिस इज द माला डी, दिखाई दे रही है ना सर? बिल्कुल दे रही है। हाँ तो देखते जाओ ना। दिस इज द माला एन, ठीक है, स्त्रियों के लिए खाने की गोली। गवर्नमेंट ऐसे ही लिखती है ना। लिखा है फ्री सप्लाई नोट फॉर सेल, फ्री सप्लाई नोट फॉर सेल। और ये है आपकी माला डी, जो 3 रुपए में आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसमें भी ऐसे लिखा है स्त्रियों के लिए खाने की गोली। मतलब इसने क्या किया है, कॉमर्शियली इसी की तरह बना दिया ताकि लोग इसको भी खरीद सकें। यहां पर आपको देखिएगा टैबलेट देखने मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 और 7। कितनी होगी? 21 टैबलेट तो व्हाइट हो गई, और ये जो 7 टैबलेट है ये कैसी होगी? ब्राउन कलर की। यानी इसमें क्या प्रेजेंट है आपका? फेरस फ्यूमरेट प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हुआ? अब देखिएगा, यहां पर मैंने कहा था, देखिए इसमें तो क्या प्रेजेंट है? लिवोनोजेस्टिल और इथाइनिल एस्ट्रोडियोल प्रेजेंट है। लिवोनोजेस्टिल और इथाइनिल एस्ट्रोडियोल प्रेजेंट है। सेंट क्रोमम की भी बताऊंगा बेटा, समझ लो ध्यान से, हर चीज को समझो। मैंने आपको यह कहा था कि इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, यही कहा था ना इसमें, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। लेकिन माला डी और माला एन का जो कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम रहते हैं। प्रोजेस्टेरोन किस फॉर्म में रहेगा इसके अंदर? प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन किस फॉर्म में रहेगा? एलएनजी, लिवोनोजेस्टिल प्रेजेंट रहता है। और एलएनजी की क्वांटिटी कितनी रहती है? 0.15 mg। कितनी रहती है? याद रख लेना, 0.15 mg प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन, एस्ट्रोजन की फॉर्मेट की बात करते हैं। नेक्स्ट वन फोकस कर लो भाई, ठीक है, समझाने के लिए कुछ भी कहना पड़ेगा। सही तो कहा है, ऐसे दांत ही निकालने लगे सारे। फोकस करो समझने के ऊपर, ठीक है। काम की बात तुम्हें चाहे कितनी बता दो, तुम उसके ऊपर फोकस नहीं करने वाले। एक लाइन बोर्ड पे लिखी हुई पढ़ ली सर ने तो पता नहीं क्या कर दिया। इतना ध्यान इधर लगाओगे ना तो 3-4 क्वेश्चन सही होंगे। 3-4 का मतलब समझ रहे हो? 4-5 हजार स्टूडेंट से आगे निकल कर आओगे, और आगे निकल कर आओगे तो मतलब सिलेक्शन लेकर ही आओगे, ठीक है। सेकंड वन बात कर देखिएगा, इथाइलिन एस्ट्रोडियोल प्रेजेंट रहता है। कौन सा? एस्ट्रोजन, जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं। क्या रहता है? इथाइलिन एस्ट्रोडियोल। और इथाइलिन एस्ट्रोडियोल की अगर बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है? या तो याद रख लीजिएगा 30 माइक्रोग्राम। क्या याद रखेंगे? या तो 30 माइक्रोग्राम, या फिर याद रखना 0.03 मिलीग्राम, या फिर ऑप्शन में दिया जा सकता है 30 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है। ये तो इसके कंपोनेंट की बात हो गई। अब बात किसकी करते हैं? अब बात किसकी करते हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है? सर माला एन और माला डी काम क्या करती है? माला एन और माला डी का एक ही काम होता है सर, क्या? ओवुलेशन को स्टॉप कर देती हैं। नोट कर लेना, क्वेश्चन बनता है यहां से कि सर माला एन एंड माला डी काम क्या करती हैं? इनका एक्शन रहता है एक सिंगल लैंग्वेज में, स्टॉप द ओवुलेशन। क्या करती हैं? स्टॉप द ओवुलेशन। ओवुलेशन को स्टॉप कर देंगी बेटा। सर ओवुलेशन को कैसे स्टॉप करते हैं? माला एन और माला डी किसको अफेक्ट करती है? एचपीओ एक्सिस। आप सभी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एचपीओ एक्सिस के बारे में पढ़ा है। तो हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और ओवरी के एक्सिस को क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है। एचपीओ एक्सिस के ऊपर काम करेगी, और एचपीओ एक्सिस के ऊपर काम करके क्या कर देगी? ओवुलेशन को स्टॉप कर देगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लो 3-4 बार। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्शन दिला सकता है। क्या कर सकता है? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्शन हमें निकालकर दे सकता है।
अब बात करते सर टैबलेट को लेना कैसे है, भूल गई तो क्या करेंगे। देखिएगा इन टैबलेट को स्टार्ट कब से करना है, स्टार्टिंग जो डेट रहेगी आपकी एग्जैक्ट द डे फिफ्थ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब, डे फिफ्थ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पांचवें दिन से शुरू करना है आपको। कब से शुरू करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पांचवें दिन से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है इन टैबलेट को रेगुलरली विदाउट ब्रेक। आपको क्या करनी है, रेगुलरली 21 टैबलेट लेनी है। कितनी टैबलेट सर, हमें रेगुलरली 21 टैबलेट यूज में लेनी है। वो जैसे 21 टैबलेट कंप्लीट होगी, कौन सी सर, हमें व्हाइट टैबलेट लेनी है। कौन सी, व्हाइट टैबलेट कब लेनी है सर, एट बैड टाइम लेनी है। कब लेनी है, एट ए बैड टाइम लेनी है, विदाउट ब्रेक। कभी छुट्टी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, विदाउट ब्रेक आपको टैबलेट लेनी है। और अगर छुट्टी हो जाए तो, हो जाए तो उसका भी समाधान पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, जैसे ही आपने 21 टैबलेट कंप्लीट कर ली, उसके बाद में 7 टैबलेट कंटिन्यू करेंगे। 7 टैबलेट यानी आयरन टैबलेट है, वो स्टार्ट कर देंगे। बात को समझ में आया सभी को, यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है, यहां तक क्लियरली समझ में आया या नहीं आया। अब देखिएगा, व्हाइट टैबलेट आपने शुरू की है, रेगुलर आपको लेना है और बैड टाइम पे लेना है, छुट्टी आपको कभी नहीं करनी है, ब्रेक आपको कभी नहीं देना है। सर अगर मान लीजिएगा कोई महिला जो है भूल जाए, इफ ए फीमेल, इफ द फीमेल मिस ए पिल, एक पिल को भूल जाती है, फॉरगॉट, या कर गई फॉरगॉट, तो उसको कब लेना है, यूज और टेक एज सून एज पॉसिबल व्हेन रिमेंबर, पहली प्रायोरिटी। सवाल देखना कहां से बन सकता है, यहां से नोट सेट क्वेश्चन उठा सकता है बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर देखना पहला ऑप्शन, या तो क्या है आपके सामने, मान लीजिए कोई महिला है जो टैबलेट लेना भूल गई है, तो दो कंडीशन बनती है, क्या, एक कंडीशन आपको यह बनती है कि जब भी उसको याद आए एज सून एज पॉसिबल तुरंत ले लेनी है, दूसरी कंडीशन यह बनती है कि नेक्स्ट जब वो टैबलेट लेगी तो उसके साथ में एडिशनल एक टैबलेट और लेगी, या फिर तीसरा ऑप्शन यह बन सकता है कि कंडीशन क्या रहेगी, केवल उसको एक ही टैबलेट लेनी है, जो भूल गई उसको छोड़ दो। तो कंडीशन क्या है, अगर दो ऑप्शन आपके सामने है तो दोनों में से प्रायोरिटी कौन सा रहेगा, यह हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी में रहेगा, याद रखना बेटा, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जब भी याद आए उसको ले लेना है, जब भी याद आए उसको ले लेना है। लेकिन कब, ऐसा नहीं कि पांच दिन बाद में याद आ रहा है कि मैं तो सोमवार को लेना भूल गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता। ये रिमेंबर भी कितने टाइम में होना चाहिए, जस्ट इन 24 आवर, जस्ट इन 24 आवर, क्योंकि 24 घंटे बाद में तो अगली टैबलेट का टाइम हो जाएगा ना, 24 घंटे बाद में तो अगली टैबलेट का टाइम हो जाएगा ना। बात समझ आ गई सभी को, अब देखिएगा अगर उसको 24 घंटे में याद नहीं आया तो फिर क्या करना है, तो सर फिर हमें करना है नेक्स्ट जो टैबलेट होगी वो दो टैबलेट लेनी है, वन एक्स्ट्रा टैबलेट विथ नेक्स्ट डे शेड्यूल, अगले दिन के शेड्यूल के साथ में एक गोली एक्स्ट्रा लेनी है, अगले दिन के शेड्यूल के साथ में एक गोली एक्स्ट्रा लेनी है। पहली प्रायोरिटी यह रहेगी कि जब भी उसको याद आए 24 घंटे में तो क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल उसको ले लेना है। अगर याद नहीं आता है 24 घंटे तक तो क्या करना है, वन एक्स्ट्रा टैबलेट विद द नेक्स्ट डे शेड्यूल, अगले दिन के शेड्यूल के साथ में एक एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। बेटा पांचवें दिन से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, स्टैटिक है, जितने भी क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे, चाहे के पार का आप उठा लीजिए, चाहे आप डीसी दत्ता उठा लीजिए, इसके अलावा भी आपके पास कोई बुक हो तो उसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक कंडीशन तो हमारे साथ बन गई सर, अगर महिला भूलती है, लेकिन भूली है क्या, मिस ए पिल, केवल एक ही गोली भूली है। अगर कोई महिला लगातार दो दिन तक दो टैबलेट भूल जाए तो फिर क्या करेंगे, इफ ए फीमेल फॉरगॉट रेगुलर टू टैबलेट, रेगुलर दो टैबलेट वो भूल चुकी है, ठीक है, तो वहां पर हमारा काम क्या रहेगा,
वहां पर भी सर यही काम रहेगा? याद आई तो एज सून एज पॉसिबल, नहीं फिर क्या होगा? टेक, टू टैबलेट फॉर टू डेज कंटिन्यू। यहां सबसे अच्छी चीज है, ये चीज समझेगा कैसे। मान लो भाई एक तारीख है, दो है और तीन है और चार है और पांच है, ठीक है। यहां से उसको टैबलेट कंटिन्यू थी, यहां भूल गई है, यहां भी भूल गई है, तो तीसरे दिन कितनी टैबलेट लेंगी? तीसरे दिन दो ही टैबलेट लेना है। तीसरे दिन ऐसे नहीं भी ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, फिर तीन हो जाएंगी, ऐसे नहीं करना है। तीसरे दिन दो ही टैबलेट लेनी है, फिर चौथे दिन भी दो टैबलेट लेनी है। बात को समझे ना मेरी, लगातार दो दिन तक दो दो टैबलेट लेनी है। अगर कोई महिला कंटिन्यू दो दिन तक दो टैबलेट भूल चुकी है, तो उसको रेगुलर नेक्स्ट टू डेज तक दो दो टैबलेट यूज में लेनी है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? अगली बात, इसके साथ में प्लस एडिशनल क्या करना है? एडिशनली यूज बैरियर मेथड, यूज द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड यूज करेंगे कब तक? यूज बैरियर मेथड फॉर नेक्स्ट सेवन डेज, फॉर नेक्स्ट सेवन डेज, अगले सात दिनों तक आपको क्या करना है? बैरियर मेथड को यूज करना है। समझे मेरी बात को? अगले सेवन डेज तक आपको बैरियर मेथड यूज में लेना है। यहां से क्वेश्चन बनता है तो आपका सिंगल वन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का अच्छे से याद रखना, ठीक है। बात को समझे नहीं समझे मेरी? चिंकी के पापा रुक जाओ जरा, क्लास को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट लग रहा है कि सर ठीक है हमारे लिए। चले, यहां तक तो आप सभी को हर चीज समझ में आ गई है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि हमारे पास में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कंबाइन के अंदर दे रहे थे पेशेंट को। क्या दे रहे थे? कंबाइन के अंदर यूज कर रहे थे, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा केवल और केवल प्रोजेस्टेरोन, समझ गए ना, वेरी गुड। अगर केवल प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, अगर क्या देनी है आपको, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है ये, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स की बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के बारे में समझिएगा। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मिनी पिल या माइक्रो पिल बोलते हैं। इस प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल में क्या प्रेजेंट रहेगा सर? इससे प्रेजेंट रहता है हमारा लिमोनोजेस्टिल प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? लिमोनोजेस्टिल प्रेजेंट रहेगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी पिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी पिल कहते हैं, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो पिल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो पिल कहते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? और यही हमारी क्या है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स इज द चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन किसके अंदर, लैक्टेटिंग मदर या फिर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में, लैक्टेटिंग मदर या डिलीवरी के बाद में चॉइस ऑफ पिल्स हो गई हमारे लिए। क्लियर हुआ? याद समझ में आ गया ना सभी को? किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट वन देखेगा हम, पढ़ते हैं क्या, पोस्ट कंसेप्चुअल या फिर डे आफ्टर पिल्स। नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, पोस्ट कंसेप्चुअल या फिर सॉरी डे आफ्टर नहीं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल या फिर पोस्ट कंसेप्चुअल पिल्स। क्लियर? इसके अंदर देखिएगा दो चीजें होती हैं। अगर ये बात किसकी हो गई, सर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ही कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ही कहेंगे। अंतरा ऑन से होता है बेटा, अंतरा के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सबर रख लो, अंतरा भी आएगा सहेली भी आएगी, ठीक है, अंतरा भी आएगा और सहेली भी आएगी, दोनों चीजें आ जाएंगी, थोड़ा सा वेट कर लो, ध्यान से समझिएगा।
देखिए हार्मोनल और आईयूटी दोनों होती है। पोस्ट कंसेप्चुअल के अंदर दो चीजें यूज लेते हैं, क्या क्या? एक तो आईयूटी लेते, और आईयूटी का मैंने आपको बताया था जस्ट विद इन 5 डेज, 5 दिन में आप इसको यूज करना है। दूसरी बात करते हैं हार्मोनल की, यहां पर तो हार्मोनल के अंदर कौन सा रहेगा सर? हार्मोनल के अंदर हमारा रहेगा लिवोनोजेस्टेल। कौन सा रहेगा? लिवोनोजेस्टेल। और लिवोनोजेस्टेल अनवांटेड 72 के अंदर यही प्रेजेंट होता है, ठीक है? लिवोनोजेस्टेल ही प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 0.75 mg प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 0.75 mg, जो मार्केट में आपको मिलती है अनवांटेड 72 के नाम से। जस्ट यूज इन 72 आवर, इसे अपन यूज करेंगे कितनी देर में? यूज इन 72 आवर। 72 आवर में आपको क्या करना है? यूज में लेना है। बात क्लियर होगी सभी को? छाया भी आ जाएगी, तुम थोड़ी देर इंतजार करोगे ना तो सब आ जाएगी, ठीक है? आगे देखेगा नेक्स्ट वन, डंपा इमेज देखेगा। डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन इंजेक्शन, ठीक है? डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन इंजेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? अपन अंतरा बोलते हैं, ठीक है? ये जो डंपा है, ठीक है, ये हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये क्या होती है? लॉन्ग एक्टिंग होती है। क्या होती है? दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग, और उसी के साथ साथ स्लो रिलीज होती है। क्या होती है? स्लो रिलीज भी होती है। डंपा की अगर बात करते, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिन में इसको रिप्लेस करते हैं, कितने दिन में इसका इंजेक्शन अपन यूज में लेते हैं, तो एवरी 3 मंथ आपको यूज में लेना है 150 mg, ठीक है? कितना होता है? 150 mg, और यूज कैसे लेना है इसको? इंट्रामस्कुलरली आपको यूज करना है। डंपा यूज इन एवरी 3 मंथ, कितने दिन में? एवरी 3 मंथ आपको यूज करना है। कितने दिन में? एवरी 3 मंथ आप इसको यूज में लेंगे। बात क्लियर होगी सभी को? इसी के अलावा देखिएगा एक और आता है, हाँ, सबडर्मल प्लांट, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसिटेट। नाम याद रहेगा ना सभी को? नाम याद रख लीजिएगा, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसिटेट, इतना ही इसमें आपको याद रखना है। इंट्रामस्कुलरली 150 mg एवरी 3 मंथ, ऑल्सो नोन एज अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लगाया जाता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, अंतरा इसी को बोलते हैं। नाम ये फोटो दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आप और कुछ देख रहे हो, ठीक है? ये आपको नाम याद रखना है बेटा, अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हेडिंग लगा लेना, सबडर्मल प्लांट, ठीक है? ये तो हमने इंट्रामस्कुलर लगाई है, सबडर्मल भी होते हैं, जस्ट बिलो द डर्मिस, ठीक है? सबडर्मल प्लांट भी यूज में लिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल होने वाले आपके नोर प्लांट, कौन से रहेंगे? नोर प्लांट एंड नोर प्लांट आर टू, नोर प्लांट आर टू, नोर प्लांट और नोर प्लांट आर टू जो होते हैं सिलिकॉन रबड़ की क्या होती है? रोड होती है, सिलिकॉन रबर की रोड होती है, जिनको अपन क्या करते हैं? सबडर्मली इम्प्लांट किए जाते हैं। किसे? सबडर्मली इम्प्लांट किया जाता है, और एवरी 3 ईयर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबडर्मल जो इम्प्लांट होंगे वो 3 साल के अंदर रिप्लेस करते हैं। कितने दिन में? एवरी 3 ईयर में आपको रिप्लेस करना है। क्लियर हुआ? इसी के प्रकार देखिएगा, डंपा हमने इंट्रामस्कुलरली बताया है, लेकिन अगर डंपा एक होता है एससी भी होता है। कैसा होता है? सबक्यूटेनियसली भी होता है। हाँ, नेट ईएन की बात करूंगा, डंपा सबक्यूटेनियस भी होता है, उसमें 104 mg आता है, वो भी 3 महीने के लिए यूज लेते हैं। कौन सा? डंपा सबक्यूटेनियसली एसटी 104 mg, और यूज एवरी 3 मंथ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां तक समझ में आई या नहीं आई? सॉरी। तो देखिएगा, ये जो मेन पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेंट क्रोमम से, सेंट क्रोमम उसी को बोलते हैं अपन सहेली, उसी को बोलते हैं अपन छाया। तो सेंट क्रोमम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ठीक है? इमेज में भी पॉसिबल अगर मिलेगी तो शायद नहीं है ना। हाँ, अभी मैं आपको थोड़ा आईयूटी की इमेज और दिखाऊंगा, इंट्राउटराइन डिवाइसेस की इमेज और दिखाऊंगा मैं, ठीक है? समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है। नोर प्लांट में कितने एमजी होते नहीं पूछा जाता है।
सेलेक्टिव चीजें मैंने आपको सारी पढ़ा दी, आप मान के चलेगा, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा सेंट क्रोमम, सेंट क्रोमम, इसी को बोलते हैं अपन क्या, सहेली, इसी को बोलते हैं अपन क्या, छाया, छाया, सहेली और सेंट क्रोमम। इमेज में इसके नहीं निकाल पाया तो आप समझ लीजिएगा ये क्या होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, क्या होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। इसके रिगार्डिंग सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, क्या, शुरुआती 3 महीने में क्या लेना है आपको, ट्वाइस इन ए वीक, ये नोट कर लो, ट्वाइस या बीडी इन ए वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट 3 मंथ शुरुआती 3 महीने में, उसके बाद में वंस इन ए वीक पिल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वंस इन ए वीक पिल। नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ वन इन ए वीक, याद रहेगा सभी को, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर साल्ट लिखना चाहे तो ऑर्मिलॉक्सीफेन क्या आता है, ऑर्मिलॉक्सीफेन, ऑर्मिलॉक्सीफेन नाम का साल्ट इसमें प्रेजेंट रहेगा, यानी इसका कंपोनेंट जो रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी एक ही आती है, क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, नॉन स्टोर्ड होती है, और बीडी या ट्वाइस इन ए वीक फॉर स्टार्टिंग 3 मंथ। नेक्स्ट उसके बाद में वन, एक टैबलेट लेंगे एक ही सप्ताह के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, हो चुका है ना। अब इसके आगे वाली जो बातें रहेंगी अपन क्वेश्चन के साथ में करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव के क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, 99% आपको इसी में से मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी 99% चांस है कि आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। सहेली में बता दिया ना बेटा कंपोजिशन, ऑर्मिलॉक्सीफेन, ऑर्मिलॉक्सीफेन ये सहेली में ही पाया जाता है। सहेली सेंट क्रोमन और छाया, सहेली सेंट क्रोमन और छाया तीनों एक ही चीज है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडिफायर, क्या कहते हैं इसे, नाम लिख लीजिएगा। सेंट क्रोमन की बात करते हैं तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडिफायर लिख लो, जी बिल्कुल सेम डे लेनी है, ठीक है। ऑर्मिलॉक्सीफेन प्रेजेंट होता है, ओ आर एम आई एल ओ एक्स आई एफ ई एन, ठीक है, चलिए जी बिल्कुल। सहेली अब छाया नाम से आती है, नाम बदल लिया इसने, घर वालों को नाम पसंद नहीं आया तो नाम कुछ अलग रख दिया। अब क्वेश्चन करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, बट मैं उम्मीद रखता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट का गलत ना हो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज थायरोक्सिन, LH, प्रोजेस्टेरोन और GH। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट कौन सा रहने वाला है, प्रोजेस्टेरोन ही रहेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट केम इन टू फोर्स इन द ईयर 19, ये तो ज्यादा हो गया, 1964, 1972, 1962, 1966, फटाफट आंसर पुट करते रहिएगा, ठीक है। आने वाले आधे घंटे के अंदर जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्शन के क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कर लेंगे, बसरते आप पूरी शांति से समझते रहे। वेरी गुड, आंसर कीजिए बेटा फटाफट। ये क्लास हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंचानी चाहिए जो एम्स की एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यहां से जो कंटेंट मिलेगा वो हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्प करने वाला, चाहे सीएचयू की तैयारी कर रहे हो चाहे नॉर्थसेट की तैयारी करो, ठीक है। वेरी गुड, 1972 के अंदर क्या हुआ था, कम इन टू फोर्स, 1971 में क्या आया था, ये एक्ट आया था, एमटीपी एक्ट अपन पढ़ते हैं ना,
और एमटीबी एक्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको ओबीजी की क्लास में सब कुछ बताया था क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन ए डिलीवरी लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल्स ऑफ द चॉइस, ठीक है, डिलीवर्ड लैक्टेटिंग मदर के अंदर ओरल पिल्स ऑफ चॉइस क्या होगी, वन पिल पर मंथ, मिनी पिल, कॉम्बिनेशन पिल या सिक्वेंशियल पिल, राइट आंसर क्या रहेगा, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, इन ए डिलीवर्ड लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल्स ऑफ द चॉइस, विच वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। यहां पर देखिएगा डिलीवर्ड या फिर दूसरी बात कर रहे हैं लैक्टेटिंग मदर के लिए ओरल पिल्स कौन सी रहेगी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या मिनी पिल्स, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन पूछा है कम इन टू फोर्स तो 1972 ही आएगा, वेरी गुड, राइट आंसर क्या रहेगा, मिनी पिल या माइक्रो पिल, गलत कर रहे हैं बच्चे अभी भी, ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, द पोस्ट पिल एमनोरिया इज ट्रीटेड बाई, पोस्ट पिल एमनोरिया इज ट्रीटेड बाई एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, क्लोनिडिन या क्लोमिफीन, पोस्ट पिल एमनोरिया, जानते हो पोस्ट पिल एमनोरिया क्या होता है, मान लीजिएगा, समझ लीजिएगा पहले, मान क्या लीजिएगा, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करने के लिए या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमने ओसीपी चलाई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमने चलाई, अब हमने इसको स्टॉप कर दिए, स्टॉप करने के बाद में भी 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी एमनोरिया ही है, क्या है, एमनोरिया ही है, तो इसको ट्रीट करना है तो क्या देंगे आप, इसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा, क्लोमिफिन ट्रीट आप प्रोवाइड करवाने वाले हैं, पोस्ट पिल एमनोरिया की बात कर रहा हूं, यानी पिल्स को बंद करने के बाद में भी फीमेल के अंदर अभी एमनोरिया ही है, 6 महीने हो गए हमें बंद किए हुए, लेकिन अभी भी एमनोरिया है, तो अपन क्या देने वाले हैं यहां पर, यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, क्लोमिफीन राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला ध्यान रखिएगा बेटा, टेस्ट आपका होने वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट का टेस्ट हो चुका है, इवनिंग वाला शिफ्ट शाम को होगा 9 से 12, ठीक है, रात को 9 बजे बैठना टेस्ट के लिए और सुबह 12 बजे तक आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। पेपर में वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो नॉर्सेट के हिसाब से बनाए गए हैं, हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है। आप ये समझिएगा कि यहां से आपको चीजें सीखने को भी मिलेगी, प्रैक्टिस भी होगी, नॉलेज भी होगा, कंपटीशन का भी पता चलेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, हमारी स्टडी क्या है खुद का एनालिसिस भी मिलेगा, यानी एक ओवरऑल नॉलेज के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का जो मौका है आपको इन 5 एग्जाम के साथ मिलने वाला है, 1, 3, 5, 7 और 9 सितंबर को रेगुलर बैक टू बैक टेस्ट होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी अगर किसी को चाहिए तो ये नंबर आपको इसलिए दिए जाते हैं, कॉल कर लो इनके ऊपर, सारी जानकारी ले लो और आज ही ज्वाइन कर लेना रात को 9 बजे से पहले, क्योंकि 9 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कॉन्ट्रासेप्टिव टूडे विच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस द कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन F2, नॉर एथिस्ट्रियोल, 9-nonoxynol, कॉपर रिलीज, मैश, विच वन इज द राइट आंसर। टूडे हमने बात की थी वेजल स्पॉन्ज की रिगार्डिंग, कि 3 घंटे पहले लगाते हैं, 6 घंटे बाद तक उसको रखते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, फटाफट आंसर पुट कीजिएगा, नोनोक्सिनोल 9% रहेगा, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेगा, नोनोक्सिनोल 9% रहने वाला है। मैंने बताया था टूडे वैसे इंक्लूड करते किसके अंदर, वेजनल स्पॉन्ज को इंक्लूड करते किसके अंदर, बैरियर मेथड में इंक्लूड करते भले ही, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नोनोक्सिनोल 9% होता है। ये स्पर्मिसाइड एक्शन भी शो करता है, दोनों एक्शन शो करता है, शुरुआत में हमने पूरा पढ़ लिया इसके बारे में, एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ओसीपी, आंसर पुट करो, एज ओवर 40 ईयर, माइल्ड हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। बिल्कुल, टेस्ट कोई भी दे सकता, ऑल इंडिया के बच्चे, ऑल इंडिया के बच्चे नहीं दे सकते, ऑल इंडिया से सारे बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा, ओसीपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर रहा हूं बेटा,
ट्रिक याद होगी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है मेरी प्रीवियस क्लासेस को तो। डी सर, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं क्या? वेरी गुड, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। चलिए सही आंसर हो गया आपका, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को कि आपने ओसीपी के लिए एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। चलिए ऑप्शन बदल देते हैं तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहां पर उसकी बात करेंगे। तो एक ट्रिक याद रख लीजिएगा आप, ट्रिक से आपको हर एक चीज याद रहेगी। मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है बेटा, ब्रेस्ट कैंसर है। किसी फीमेल के अंदर क्या है, हाइपरटेंशन है, क्या है, हाइपरटेंशन। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है माइल्ड हाइपरटेंशन, क्या है, माइल्ड हाइपरटेंशन। हर एक ऑप्शन के रिगार्डिंग बात करूंगा अभी मैं, ठीक है। माइल्ड हाइपरटेंशन है, मैंने लिखा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वन, मान लीजिएगा ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को लेकिन उसका डायग्नोसिस हमें नहीं पता है, अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग है फीमेल को, क्या है, अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग, जिसका एक्चुअल रीजन नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट वन, कोई फीमेल क्या करती है, बीड़ी पी रही है ना, बीड़ी पीने वाली महिलाओं को भी नहीं देते हैं लेकिन उसकी एज क्या होनी चाहिए, 35 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। तो स्मोकिंग विथ एज मोर देन 35 ईयर, यहां पर ऑप्शन में एज क्या है, 40 है, लेकिन यहां पर देखिएगा स्मोकिंग विथ 35 ईयर, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को। नेक्स्ट वन, क्या है, किसी पर्सन को हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड स्ट्रोक और थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है किसी फीमेल को, क्लियर। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी, नेक्स्ट वन इज अ प्रेगनेंसी। देखिए पूरी ट्रिक के साथ में भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूं मैं, ब्रेस्ट कैंसर, हाइपरटेंशन, अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग, स्मोकिंग विद अ 35 ईयर ऑफ एज, हिस्ट्री ऑफ द थ्रोम्बोसिस एंड स्ट्रोक, प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है फीमेल के अंदर ना, क्या है, प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है। इसके अलावा भी तीन चार होते हैं, जैसे लीवर डिजीज वाले सिचुएशन होगी, ठीक है, अगर मान लीजिएगा फीमेल को कंडीशन क्या है, डायबिटीज है, ठीक है, सीवियर हाइपरटेंशन, नहीं सॉरी, स्ट्रिक को पूरा करने के लिए था एक हाइपरटेंशन, लीवर डिजीज है। अब स्ट्रिक को थोड़ा बता देता हूं मैं ताकि आपको याद रहेगी, हाँ, द बैंक हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड, बैंक हैव द वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, स्पीक को तो हटा ही देते हैं, अच्छा ये ऐसे मिटने वाला नहीं है क्या, टू प्रोवाइड होम लोन, कुछ इसी प्रकार के आपकी ट्रिक थी, एल से लीवर, एस से हाइपरटेंशन, टू प्रोवाइड नहीं लिखा ना मैंने, हाँ तो प्रोवाइड इसके लिए आएगा, प्रेगनेंसी के लिए। इसको याद रख लीजिएगा ना, एक बार लिख लो इसको ना, वैसे ट्रिक से याद रहेगा तो आप अच्छे याद रख पाएंगे इसको, यही है सारे ना, इसको लिख लो एक बार ना, बैंक हैव द वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। अगर मान लीजिए फीमेल को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, मान लीजिएगा अगर फीमेल को क्या है, हाइपरटेंशन है, अगर मान लीजिएगा फीमेल को कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस वो एज उसकी 35 ईयर से ज्यादा हो गई, स्मोकिंग कर रही है, अगर मान लीजिएगा फीमेल को अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं है ब्लीडिंग क्यों हो रही है, रीजन क्या है ब्लीडिंग होने का, फीमेल को मान लीजिएगा लीवर डिजीज वाली सिचुएशन है, सीवियर हाइपरटेंशन है, फीमेल को थ्रोम्बोसिस था, स्ट्रोक की कंडीशन थी पहले फीमेल को, उस कंडीशन में नहीं कर सकते, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर फीमेल को प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है, जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जहां पर आपको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आएगा सभी को। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, हाँ, आफ्टर मई है, नहीं, बैंक हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड द होम लोन ड्यूरिंग मई, लीवर डिजीज में था ड्यूरिंग,
सॉरी एक डायबिटीज भी है लॉन ड्यूरिंग ड्यूरिंग से इंडिकेट होगा डायबिटीज ठीक है ड्यूरिंग मई ये याद रखने की ट्रिक रहेगी आपके याद रख पाएंगे इसको हाइपरटेंशन रिपीट हो रहा है बिल्कुल सॉरी एक सेकंड हाइपर ट्राइग्लिसराइड कर लीजिए इसको हाइपरटेंशन एक ही बार आएगा हाइपर ट्राइग्लिसराइड बहुत दिन पहले पढ़ी थी बेटा ये ट्रिक है ना सही है अब सही है ठीक है हाइपरटेंशन लेकिन सीवियर होना चाहिए कितना होना चाहिए सीवियर मतलब 160/110 तो इंडिक को क्या रहेगी कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी इनको ही याद कर लो तो बहुत है अब आपकी पूरी ट्रिक भी सही है सारे याद रहेंगे आपको ठीक है द बैंक हैव द वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन ड्यूरिंग मई अच्छे से याद करना स्क्रीनशॉट ले लो हाइपरटेंशन दो जगह से हटा दिया ठीक है एक जगह क्या आपका हाइपर ट्राइग्लिसराइड ही है चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी में कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे कंबाइन प्रोजेस्टेरोन ओनली डिपो प्रोवेरा और लिवोनोजेस्टिल राइट आंसर क्या होगा Which one is the right answer? Use an emergency contraceptive. Emergency contraceptive में कौन सी use करने वाले हैं आप सभी ने पढ़ रखा है भाई Very good. Option D is the right answer. हमने पढ़ा था ना अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है ठीक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अगर बात करते हैं ऑप्शन में आपके सामने क्या नहीं है सर ऑप्शन में हमारे पास में नल्ली प्रिस्टल भी नहीं है ऑप्शन में हमारे सामने कॉपरटी भी नहीं है तो अगर ओवरऑल पूछे तो कॉपरटी था हॉर्मोनल पूछे तो नल्ली प्रिस्टल था ठीक है लेकिन दोनों ही नहीं है ना तो आपके सामने नल्ली प्रिस्टल है ना ही आपके सामने कॉपरटी है उसके बाद में कौन सा आएगा आपका लिवोनोजेस्टिल मोस्ट कॉमनली यूज भी यही आता है या तो बात करते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लिवोनोजेस्टिल या फिर पूछा जाए मोस्ट कॉमनली यूज भी कौन सा रहेगा आपका लिवोनोजेस्टिल रहेगा पढ़ाया अच्छी तरीके से आपने अगला क्वेश्चन देखिएगा द डोज ऑफ डंपा इज 200 mg आफ्टर द एवरी टू मंथ 200 mg मंथली 150 mg आफ्टर एवरी थ्री मंथ और 100 mg फॉर टू वीक तो डंपा के लिए हमने बात की थी डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसिटेट हमने बात की थी 150 mg आफ्टर एवरी थ्री मंथ इंट्रामस्कुलरली अपन यूज करते हैं क्या करते हैं एवरी थ्री मंथ यूज करते हो डंपा को क्या बोलते हैं अंतरा बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन नोर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबडर्मल इम्प्लांट वेजनल रिंग फर्स्ट जनरेशन आईयूडी सेकंड जनरेशन इट इज एन सबडर्मल इम्प्लांट तीन साल के लिए यूज करते हैं कितने साल के लिए थ्री ईयर के लिए सबडर्मल इम्प्लांट होता है कौन सा नोर प्लांट और नोर प्लांट आर टू नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिएगा A woman is using a diaphragm for the contraception should be instructed to the leave it in the place for at least how long after the intercourse? Intercourse के कितने देर बाद तक आपको diaphragm को wait करना है या remaining inside the vagina आपको maintain करना है 6 hour, 12 hour, 1 hour और 28 hour. तो diaphragm की बात करते हैं. Diaphragm, फटाफट answer put कीजिएगा. वेरी गुड 6 hour ठीक है 3 hour बिफोर इसको यूज करेंगे कब 3 hour बिफोर यूज करना है और 6 hour तक आपको क्या रखना है रिमेन रखना है क्या रखना है रिमेनिंग आपको मेंटेन रखना है अगला क्वेश्चन देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ए पेशेंट विद द हार्ट डिजीज अगर कोई दिल का मरीज है तो उसके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी रहने वाली है आईयूसीडी डिपो प्रोवेरा ई पिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आंसर पुट करें भाई अगर मान लीजिएगा कोई पर्सन है पेशेंट विद द हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है तो उसके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे बेस्ट रहने वाली है पहला ऑप्शन आपके सामने है आईयूसीडी दूसरा डिपो प्रोवेरा तीसरा ई पिल चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल
जल्दी से राइट आंसर पुट कर दीजिएगा। ए वेरी गुड। देखिएगा फर्स्टली अगर बात करते हैं तो बैरियर मेथड उनको एडवाइस करते हैं, आईयूसीडी सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन रहेगा, और यहीं पर बात करते हैं हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए तो फर्स्टली कौन सा रहेगा, फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज द बैरियर मेथड। कौन सा? बैरियर मेथड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड फॉर द स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन द वुमेन इज आईयूसीडी कैलेंडर मेथड, वेजाइनल डायफ्राम और ट्यूबेक्टॉमी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और आंसर पुट करो जल्दी से। द बेस्ट मेथड फॉर द स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन द वुमेन इज, यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर इज द आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। क्या रहेगा बेटा? आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज द बेस्ट मेथड फॉर द स्पेसिंग द चाइल्ड बर्थ इन द वुमेन। द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज द पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, एक्टिव प्रेगनेंसी। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा? ब्लीडिंग इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन, पेन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, एंड द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द रिमूवल ऑफ द आईयूडी ऑल्सो इज द पेन। पेन ही ऑल्सो इंपॉर्टेंट रीजन टू रिमूव द आईयूडी। नेक्स्ट वन, विच आईयूडी नीड टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर द 10 ईयर। तो 10 ईयर के लिए मैंने आपको क्लियरली पढ़ा रखा है, कॉपर 380 ए कितने दिन में रिमूव करते हैं? 10 साल में रिमूव करते हैं। ठीक है, जो बच्चे क्लास में अभी आए हैं वो सोच रहे होंगे कि सर क्या ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बेटा पिछले 1.5 घंटे से मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, इसलिए सिर्फ आपका एनालिसिस हो रहा है कि हाँ आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। परमानेंट मेथड कौन सा होने वाला है फैमिली प्लानिंग का? कॉपर टी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ओरल पिल और यूज ऑफ कॉन्डम। तो परमानेंट या टर्मिनल मेथड हमारा क्या रहेगा? लास्ट वन रहेगा, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। एंड लास्ट वन देखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, सबडर्मल इम्प्लांट, वेजल रिंग या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट कंसेप्शन मेथड इज, पोस्ट कंसेप्शन मेथड का एग्जाम्पल, राइट आंसर पुट करें बेटा जल्दी से। पोस्ट कंसेप्शन मेथड के बारे में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, विच वन इज द राइट आंसर? जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा। पोस्ट कंसेप्शन मेथड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। वेरी गुड सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ लिया हमें? देखिएगा अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमारे सामने क्या था सर? हमने तो इसके रिगार्डिंग एक चीज पढ़ी थी, क्या? या तो अपन आईयूडी लगा सकते हैं इमरजेंसी के अंदर, या फिर क्या कर सकते हैं, ऑरली अपन ले सकते हैं लेवोनोजेस्टन। अब यहां पर देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, इंजेक्टेबल दिया है, वेजल रिंग दी है, सबडर्मल दिया है और मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप क्या आंसर करेंगे? कंफ्यूजन, हम क्या करेंगे? मेंस्ट्रुअल इंडक्शन ही करवाएंगे, यानी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट करनी है। क्या करनी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करना है, यानी आपको ब्लीडिंग करवानी है। क्या करवानी है? ब्लीडिंग करवानी है। पोस्ट कंसेप्शन सर हमने पढ़ा कुछ और था, ऑप्शन में आपने कुछ और दे दिया, तो पढ़ा था वो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में आए। अगर ऑप्शन में दूसरी चीजें आती तो क्या करते हैं? वहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? मेंस्ट्रुअल इंडक्शन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे सर? यहां पर देखिएगा, 1 to 5 mg, 1 से लेकर 5 mg प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एडमिनिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एडमिनिस्टर करेंगे सपोजिटरी। तो क्या हो जाएगा? वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात को समझिएगा। तो हम क्या करेंगे? मेंस्ट्रुअल इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन अपन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो तो ऑप्शन में ही नहीं आया ना। हमने क्या पढ़ा था? जस्ट पोस्ट कंसेप्चुअल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं भाई? दो चीजें पढ़ी थी, कॉपर टी सबसे बेस्ट इफेक्टिव रहेगी, दूसरा लिवोनोजेस्टल हमने पढ़ा था। अनवांटेड 72 0.75 mg हमारे पास में लिवोनोजेस्टल पाया जाता है।
लेकिन दोनों की दोनों हमारे पास में क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट कर देंगे। ये आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके रिगार्डिंग और भी जितने क्वेश्चन हो आप एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, पॉसिबिलिटी रहेगी 99% तक मेरे पास जितना नॉलेज था कॉन्ट्रासेप्शन का वो सारा कुछ आपको दे दिया है। अब आप इसको कितना यूज में लेते हैं अपनी एग्जाम में, ठीक है, और वहां से कितने नंबर अपन गेन करते हैं, ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं समझ सकता हूं आप सभी ने पूरा ध्यान, पूरा मन और पूरा चित्त लगा के अच्छे से सुना होगा, समझा होगा मेरी हर एक बात को, मेरी हर एक फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और क्या आपको समझाना चाहता था। पूरे टॉपिक के अंदर हमने पूरी थ्योरी क्लास पढ़ी है। अगर आपको चाहिए कि ये सारे की सारी पीडीएफ आपको मिल जाए तो फॉलो कर लेना आरजे करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम के ऊपर ये डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल कहां से मिलेगा सर, वहीं से मिलेगा जहां से सब कुछ मिलता है, मतलब एप्लीकेशन से, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, समझ नहीं आया बेटा। देखिए ब्लीडिंग इनिशिएशन करेंगे, ब्लीडिंग इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ है, अगर मान लीजिएगा पोस्ट कंसेप्चुअल की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट का इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो इम्प्लांटेशन पहले अपन यूट्राइन कॉन्ट्रेशन करवा देंगे, एंडोमेट्रियम को तोड़ देंगे, एंडोमेट्रियम जब टूट जाएगी तो जायगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, बात को समझिएगा ठीक है। डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम मिलेगी आपको आरजे करियर पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन से, वहां से डाउनलोड करके सारे सोशल मीडिया को आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे वैसा। नेक्स्ट क्लास ठीक शाम 7 बजे आपकी होने वाली है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि पूरा टॉपिक आपको थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा और मैंने आपको पढ़ा दिए, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पीएसएम से कुछ ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा जो आपके लिए बेस्ट होंगे, एग्जाम में सीधा आपको मिलने वाले हैं ठीक है। पीएसएम से यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, आने वाले 2 दिन की क्लासेस के अंदर आपको वो कंटेंट दूंगा पीएसएम का जो आपके लिए सबसे बेस्ट और इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी भी मेजर सब्जेक्ट है, पूरा फोकस कम्युनिटी पे होगा, हर जगह आपने पढ़ रखी है, आपने फार्मा भी पढ़ ली, सॉरी फार्मा भी नहीं पढ़ी होगी, एमएसएन पढ़ लिया आपने, फंडामेंटल पढ़ लिया आपने, ओबीसी पढ़ लिया, कम्युनिटी का एक बेस है जो बहुत जरूरी है, वो आपका मैं प्रिपेयर कर दूंगा कुछ ही दिन के अंदर ठीक है। इवनिंग में 7 बजे वाली क्लास रहेगी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, रुक जाओ थोड़ा सबर कर लो। पीएसएम का मतलब होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं ना, सीएचएन जिसे कहते हैं, उसका एक्चुअल नाम पीएसएम ही है बेटा, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ठीक है। कहां घूम रहे हो तुम, सब्जेक्ट का नाम तो याद रखो कम से कम। 7वां क्वेश्चन कौन सा है बेटा, स्कोप की बात कर रहे हो क्या, एक मिनट, Which of the following is a natural family planning method? क्या हुआ इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया बताओ जरा, कहां अटक रहे हो आप। Which one of the following is a natural family planning method? Naturally family planning method जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई intervention करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग ही तो आएगा, क्योंकि जब तक महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तब तक एमनोरिया रहेगा, क्या रहेगा, एमनोरिया रहेगा। रेशनल, अरे रेशनल समझने की बात देखेगा, प्रोलैक्टिन जो लेवल है ठीक है, आप सभी को पता है ब्रेस्ट फीडिंग जब करवाते हैं तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन सॉरी प्रोलैक्टिन का लेवल बड़ा रहेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोलैक्टिन चाहिए ना, हमने अभी पढ़ा था किसके लिए, कि ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस सीक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन चाहिए, प्रोलैक्टिन का लेवल जब बड़ा रहता है तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन सप्रेस करता है, किसको सप्रेस करता है, एफएसएच को सप्रेस करता है, और जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सप्रेस हो जाएगा तो फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं करेंगी, फॉलिकल ग्रोथ नहीं करेंगे तो एलएच भी उनके ऊपर काम नहीं करेगा, तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो एमनोरिया होगा। ये रेशनल होता है इसका कि लैक्टेशनल एमनोरिया क्यों होता है,
बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन इस FSH को दबा देगा और दबी हुई चीज कभी ऊपर नहीं आती है, ठीक है। जिसको एक बार दबा दिया वो फिर कुछ दिन तक दबा हुआ ही रहेगा। फिर जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल कम होता है तभी तो हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, यानी अगर कोई महिला रेगुलरली ब्रेस्टफीडिंग करवाते जा रही है 6 महीने तक, तो उसका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहेगा। जब तक प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा तब तक FSH दबा रहेगा, जैसे प्रोलैक्टिन कम होगा FSH वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम के 7 बजे वाली क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह सब कुछ करते रहा करो, ये तुम्हारा प्यार ही है जो हमें रातों रात पढ़ने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। जब पढ़ते हैं तो तभी तुम्हारे लिए कंटेंट निकाल कर ला पाते हैं एक्स्ट्रा कुछ, ताकि तुम्हें इधर उधर बुक्स ना उठानी पड़े, सीधा सब कुछ एक जगह मिल जाए, सिर्फ तुम्हें याद करना है और एग्जाम में करके आना है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी दुआ है। हर एक टीचर जो ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर खड़ा है, ठीक है, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, उनकी सबसे बड़ा जो रिवार्ड होता है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कि वो चाहते क्या है, तो उनकी चाह और उनका रिवार्ड सिर्फ एक ही होता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपनी लाइफ में सेट हो जाए, सक्सेस हो जाए। इससे बड़ा रिवार्ड किसी टीचर के लिए नहीं होता। तो आप भी उनकी भावनाओं को समझा करो, क्लास में जब भी बैठो पूरा शांति से हर एक चीज को समझा करो, सामने वाले की मेहनत को एक बार थोड़ा एनालिसिस कर लिया करो कि हम इस कंटेंट को पढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे होंगे, उसके बाद में आपके लिए वो कंसाइज मैटर के अंदर हर चीज आपको एक लिमिटेड टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले कहते थे कि पहले जैसे गुरु और पहले जैसे स्टूडेंट आजकल नहीं मिलते, तो उस चीज को आप चाहें तो दोबारा लेकर आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम 7 बजे वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।